हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। और मेरा नाम है ज्योतिराज और आज के वीडियो में हम पूरे के पूरे विस्तस बुक को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। मैं तुम सबको विस्तस बुक के एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें और कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। और ऑब्वियसली वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद का एडुकेशनल भैया ऐप लॉन्च हुआ है। फिलहाल तो उसमें केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, जिसमें प्रॉपरली तुम्हें केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और हर चैप्टर के PYQs को सॉल्व कराया जाएगा। ऑब्वियसली तुम उसमें जाके लाइव डाउट्स भी पूछ सकते हो और साथ ही साथ उसमें स्पेशली डाउट सेशंस भी लिया जाएगा, जिसमें तुम्हारे पूरे डाउट्स को क्लियर कराए जाएंगे। और साथ ही में इंग्लिश के लिए नए बैच के लिए कोर्स लॉन्च की जा रही है फॉर 11th and 12th, तो तुम लोग अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हो। और अगर तुम्हारे एग्जाम आने में अभी टाइम है तो तुम लोग खुद भी कोर्स को जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी स्पेशल ऑफर्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर को, जिसे लिखा है तुसानी दोसी नाम की एक राइटर ने। अच्छा, तुम लोगों को पता है लोग एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि एंटार्क्टिका का प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो क्या तुम लोग मुझे बता पाओगे? देखो, हमारी जो राइटर है ना तुसानी दीदी, वो हमें बताएगी जब वो एंटार्क्टिका जाती है तो वो क्या क्या एक्सपीरियंस करती है। वो अपने जर्नी के बारे में बताएगी और ये भी बताएगी कि उन्हें क्या क्या सीखने को मिला। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारी तिसानी दीदी है ना, वो बहुत ही बड़े से रशियन रिसर्च वेसल के अंदर है। यहाँ पे रशियन रिसर्च वेसल का मतलब हो गया एक बहुत ही बड़ा सा रशियन शिप के अंदर। और तुम्हें पता है उस शिप का नाम है एकेडमिक सोकाल्स्की, और वो वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही है, जिसका नाम है एंटार्क्टिका। अच्छा, तुम्हें पता है हमारी जो ऑथर है ना, वो एक इंडिया में जगह है जिसका नाम है मद्रास, वहां से वो अपना जर्नी को स्टार्ट करती है। और अगर थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में जाए तो 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर से वो अपना जर्नी स्टार्ट करती है। और वो जर्नी इतना आसान नहीं था क्योंकि उन्होंने 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज लाइक इंडियन ओशियन होता है, पैसिफिक ओशियन होता है, इस तरह के 3 ओशियंस को क्रॉस कर, इसके साथ साथ ढेर सारे इकोसिस्टम को क्रॉस कर वो एंटार्क्टिका पहुंचती है। और जैसे ही हमारी जो तुसानी दीदी यानी कि जो हमारी राइटर है ना, वो पहला कदम एंटार्क्टिका में रखती है, तब उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने अपना 100 आवर्स से भी ज्यादा इस ट्रैवलिंग में बिता दिया है। अब तुम लोग सोच रहे होगे क्या उन्होंने 100 आवर्स बस शिप में ट्रैवल करके बिताया है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि हमारी जो राइटर है ना, उन्होंने ये जर्नी कार, बस, एरोप्लेन और सिप, इन सब की मदद से बिताया है। फिर तुसानी दीदी नोटिस करती है कि एंटार्क्टिका कितना ज्यादा वंडरफुल जगह है। जहां तक वो देख पा रही थी सिर्फ व्हाइट लैंडमास उन्हें दिख रहा था। और फिर उन्हें ये भी रियलाइज होता है कि क्योंकि ये इंसानों से दूर है और आइसोलेशन में है ना, इसलिए ये जगह और भी ज्यादा वंडरफुल है। अच्छा, तुम लोग को एंटार्क्टिका का हिस्ट्री पता है? अभी से 650 साल पहले एंटार्क्टिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल भी स्नो से नहीं घिरा हुआ रहता था, बल्कि वो तो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था। और इवन वहां पे बहुत गर्मी पड़ती थी और उस वक्त एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना लैंड। एंड तुम्हें पता है उस गोंडवाना लैंड के अंदर, मतलब वो जो सुपर कॉन्टिनेंट था ना, उसके अंदर इंडिया, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इवन की साउथ अफ्रीका भी आता था। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही समझ रहे हो, ये सारे प्रेजेंट डे कंट्रीज उस वक्त एक साथ जुड़े हुए थे। और उस वक्त इस पूरे बड़े लैंडमार्क को हमने नाम दिया है गोंडवाना लैंड। पर अफसोस, उस वक्त तो ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस भी नहीं था। यार तुम लोग सोचो, 650 मिलियन साल पहले कहां से ह्यूमंस होंगे? अभी से 180 मिलियन साल पहले की अगर बात करें ना, उस वक्त हमारे डायनासोर और ड्रैगन्स नहीं होते, बट हाँ ओके, उस वक्त हमारे डायनासोर्स जैसे प्राणी जीवित रहते थे। और तुम्हें पता है उस वक्त एंटार्क्टिका में वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना पाया जाता था। और उस वक्त जो नॉर्मल इंडिया और अफ्रीका में ट्रीज और एनिमल्स पाए जाते थे, उनका एंटार्क्टिका में पाना बहुत ही नॉर्मल था। एंड अगर मैं तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा हटकर बताऊं, अभी भी जो एंटार्क्टिका में जीव जंतु रहते हैं ना, उनके भी एंसेस्टर्स जो थे ना, वो अफ्रीका से ही हैं। बट अफसोस की बात तो ये है ना कि अभी से करीब 500 मिलियन साल पहले जो एंटार्क्टिका था ना, वो गोंडवाना लैंड से अलग हो गया। सिर्फ एंटार्क्टिका नहीं, बहुत सारे कंट्रीज अलग हो गए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कैसे अलग हो गए? देखो, इसके ऊपर बहुत सारे रीजंस हैं। अगर मैं तुम्हें एकदम इजी वे से बताऊं तो इसका रीजन था रैपिड शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। और तुम्हें बिलीव नहीं होगा, अभी से 500 मिलियन साल पहले जो एंटार्क्टिका था ना, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड था। बट धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो एंटार्क्टिका का लैंडमास था, वो गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और धीरे धीरे करके साउथ पोल की तरफ खिसकने लगा, जिसके कारण हमारे जो प्यारे प्यारे डायनासोर थे ना, वो इस दुनिया में नहीं रहे। यार तुम लोग सोचो कितना मजा आता अगर डायनासोर अभी के टाइम में भी एग्जिस्ट करते, हम इंसान और डायनासोर मिलकर दोस्ती करते और दुनिया पे राज करते। थोड़ा सिलेबस से घसक गए ना, ओके वापस ट्रैक पे आते हैं।
देखो एंटार्क्टिका जो था वो तो साउथ पोल की तरफ धीरे धीरे घसकने लगा, जो इंडिया था वो एशिया में जाके टकरा गया और बाकी भी गोंडवाना लैंड के बहुत सारे टुकड़े हुए। इससे हमारे प्रेजेंट ग्लोब का जन्म हुआ। ग्लोब का मतलब हमारा जो प्रेजेंट मैप है ना, उसका जन्म हुआ। अगर मैं तुम्हें एक फन फैक्ट बताऊं तो जब इंडिया एशिया से आके टकराया था ना, उसी की वजह से हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स थे ना, उनका भी जन्म हुआ था। और जैसे जैसे ये कंट्रीज का जन्म हुआ, वैसे वैसे हमारे जैसे आदमखोर इंसानों का भी। और इसके बाद जो हमारी ऑथर है ना, वो हमें कह रही है कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग। देखो इस लाइन से ऑथर का सीधा सीधा कहना है कि पापा के दम पे मत उड़ो, खुद के दम पे उड़ो, क्योंकि आखिर में हम सबको मिलना तो एक ही धूल में है। फिर हमारी जो राइटर है ना, वो कहती है कि एंटार्क्टिका में विजिट करना एक पार्ट ऑफ हिस्ट्री है और हमें इन सब चीजों की सिग्निफिकेंस कभी नहीं भूलनी चाहिए। किन सभी चीजों की, मैं बताता हूँ इन सारे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। जैसे कि कॉर्डिलियन फोल्ड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडिया जाके एशिया में टकराया और वैसे हिमालयस का फॉर्म हुआ, उसे हम कॉर्डिलियन फोल्ड्स कहते हैं। और प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट सील्ड, जो रॉक्स होते हैं जो कि 570 मिलियन साल से भी पहले के होते हैं ना, उसे हम प्री कैम्बेरियन ग्रेनाइट सील्ड्स के नाम से जानते हैं। और देखो ओजोन और कार्बन का जो सिग्निफिकेंस है हमारे वर्ल्ड बिल्डिंग में, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। फिर हमारी राइटर कहती है बस यही नहीं बल्कि इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन के बारे में भी हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। इवोल्यूशन का एग्जांपल तो तुम खुद हम ह्यूमन से ले लो, हम लोग कैसे टाइम टू टाइम इवॉल्व होते आए हैं, और एक्सटिंक्शन का एग्जांपल तुम लोग डायनासोर या फिर डोडो बर्ड से ले लो। तो यही सारे जो मैंने वर्ड्स बताए, जैसे कि क्वाड्रिलियन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्ड, ओजोन और कार्बन, इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, ये सारी जो चीज होती है ना, इसके सिग्निफिकेंस को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ये राइटर हमें बता रही है। देखो जो तिसानी दीदी है ना, उन्होंने ये भारी भरकम वर्ड्स का इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल किया है क्योंकि वो बताना चाहती है जब उन्होंने एंटार्क्टिका में अपना पहला कदम रखा तब उन्हें इन सारी चीजों का एहसास हुआ। देखो जब गोंडवाना लैंड टूटा ना, तो बस एंटार्क्टिका और इंडिया के साथ ही कांड नहीं हुआ, जो साउथ अमेरिका था वो भी नॉर्थ अमेरिका की तरफ धीरे धीरे घिसकने लगा, जिस कारण से हमारा ड्रैग पैसेज खुल जाता है और क्रिएट करता है सर्कमपोलर करंट को। अब ये सब चीज क्या है, एक्सप्लेन करता हूँ, ठहरो जरा। ये जो कोल्ड सर्कमपोलर करंट था ना, ये इंश्योर करता था कि ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को अलग रखे, मतलब फ्रिजिड रखे, और एंटार्क्टिका को पूरे दुनिया से डिसोलेट कर दे। डिसोलेट का मतलब होता है लोनली, मतलब अलग रखना, एट द बॉटम ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सबसे नीचे वाले हिस्सा पे। अब देखो हमें चैप्टर के स्टार्टिंग में पता चलता है कि जो हमारी राइटर है उन्होंने मद्रास से अपना जर्नी स्टार्ट किया था, एंड मद्रास जो है ना वो साउथ इंडिया में लाई करता है। साउथ इंडिया एक काफी गर्म जगह है, और एक इंसान के लिए एक हॉट प्लेस से एक ऐसी जगह जाना जहां पे पूरे दुनिया का 90% ऑफ द आइस कंसंट्रेटेड है, ये काफी चिलिंग प्रोस्पेक्ट है। यहां पे चिलिंग प्रोस्पेक्ट का मतलब है ये काफी फियरफुल, काफी डरावना एक्सपीरियंस है। फिर हमारी जो तिसानी दीदी है, मतलब जो राइटर है, वो कह रही है ये बस मेटाबॉलिकली और सर्कुलेटरी नहीं है, मतलब मुझे सच में ठंडा लग रहा है, वो तो बात है ही, लेकिन इसके अलावा बस इमेजिनेशन से भी जो हमारी राइटर है तिसानी दीदी है वो कांप जाती है ये सोचकर, क्योंकि भैया ये तो ऐसी बात है कि लाइक यू आर वॉकिंग ऑन अ जायंट पिंग पोंग बॉल। फिर तिसानी दीदी बताती है कि यहाँ पे कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, कोई बिलबोर्ड, ट्री या बिल्डिंग नहीं है, और इस जगह में आने के बाद तुम्हारा कोई भी अर्थली सेंसेस काम नहीं करता, और टाइम के बारे में तो तुम बिल्कुल भूल सा जाते हो। क्यों दीदी, वहाँ पे घड़ी काम नहीं करता था क्या? फिर हमारी राइटर बताती है कि जब तुम एंटार्क्टिका में जाते हो और तुम विजुअल रेंजेस के बारे में बात करते हो, मतलब जो चीज को तुम देख सकते हो उसकी बात करते हो, तो बहुत छोटे से लेकर, मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर बहुत बड़े से बड़े चीज वहां पे अवेलेबल है। हाँ वहां पे कोई बिल्डिंग्स नहीं है, कोई ह्यूमन मार्कर नहीं है, बट वहां पे चीजों की और जीव जंतु की कोई कमी नहीं है। अगर छोटी चीजों की बात करें तो मिजेस एंड माइट्स, जो कि बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो भी वहां पर दिखते हैं। और बड़े चीजों की बात करें तो एंटार्क्टिका में ब्लू व्हेल और बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स पाए जाते हैं। एंड अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दूं ना, तो वहां के कुछ आइसबर्ग्स तो कंट्री से भी बड़े हैं। और देखो एंटार्क्टिका को पूरी तरह से एक्सप्लोर तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर लार्जेस्ट रिकॉर्डेड आइसबर्ग की बात किया जाए ना, तो वो आइसबर्ग पूरा बेल्जियम जितना बड़ा है। फिर राइटर बताती है कि एंटार्क्टिका में दिन 24 घंटा का होता है। फिर तुम लोग सोचोगे क्या बात कर रहे हो ब्रो, हमारे यहाँ कौन सा 8 घंटा का होता है, हमारे यहाँ भी तो 24 घंटा का होता है। अरे तो ब्रो हमारे यहाँ 24 घंटा दिन का दिन नहीं रहता ना, रात भी होता है। यहाँ पे हमारी राइटर बताना चाहती है कि एंटार्क्टिका में समर टाइम में सिर्फ दिन होता है, कभी रात नहीं होता है, और अगर विंटर्स का टाइम आता है
तो सिर्फ रात रहता है, कभी दिन होता ही नहीं है जब तक समर ना आ जाए। मेरी बातों को तो समझ ही गए होगे। फिर हमें पता चलता है कि एंटार्क्टिका में यूबिक्यूटस साइलेंस है, मतलब बहुत ज्यादा शांति है। हालांकि ऑकेजनली कभी कभी स्नो रॉक्स माउंटेन से टूट कर गिरते हैं, उसके कारण कभी कभार शांति भंग हो जाती है। और कभी कभी जो आइस सीट होते हैं, मतलब जो लैंडमास होते हैं, वो स्प्लिट कर जाते हैं, उसके कारण भी कभी कभार कुछ कुछ साउंड सुनने को मिल जाती है। अब देखो, तुम्हारे बुक में कुछ हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका मीनिंग बहुत सिंपल है, लेकिन अगर तुम इन वर्ड्स को याद कर लोगे और एग्जाम में आंसर शीट में लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट? और ये सारी चीजें जो राइटर जाके वहां पे देखती है, समझती है, ये सारी चीज ऑथर को अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को समझने में बहुत हेल्प करती है। पर फिर तुम्हें पता है ऑथर क्या कहती है, कि वहां पर जाने के बाद जो चीज उन्हें पता चलता है ना, वो ह्यूमंस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ ऐसा होने वाला है ना जो पूरे ह्यूमंस को हिला कर रख देगा। एंड दिस इज हाउ हमारा पहला पार्ट एंड होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। देखो, पिछले वीडियो में हमने एंटार्क्टिका के हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन इस वीडियो में हम बस उसके ह्यूमन इंपैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और ऑथर के बारे में कुछ कुछ बातें होगी। चलो वीडियो को एंड तक देखना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या है यार? ह्यूमंस तो बस 12,000 साल पहले ही अर्थ पे आए थे, उससे पहले तो ह्यूमंस का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अगर अर्थ की जियोलॉजिकल एज की बात करें तो वो 4.54 बिलियन ईयर्स की है, मिलियन भी नहीं, बिलियन ईयर्स। एंड तुम्हें पता भी है इसमें कितने जीरोस होते हैं? तो अगर तुम उस अकॉर्डिंग देखते हो तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो एज है ना, वो अर्थ के जियोलॉजिकल क्लॉक में कुछ सेकंड्स के बराबर ही है। लेकिन सिर्फ इतने ही टाइम में हम ह्यूमंस ने तबाही मचा के रख दी है। वो कहते हैं ना, पूत के पाव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो जैसे ही हम ह्यूमंस ने अर्थ में कदम रखा, हम अर्थ की डिस्ट्रक्शन का एक मेजर कारण बन गए। हम नेचर के ऊपर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिए। इसका एग्जांपल तुम खुद ले लो, हमने कितने सारे विलेजेस, सिटीज, मेगा सिटीज बना दिया बिना दूसरे जीव जंतु की परवाह किए। जैसे कि मान लो ये पूरी दुनिया तो हमारे बाप की हो। और जैसे जैसे ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ते गई, हमने दूसरे स्पीसीज को लात मारकर वो सारे लिमिटेड रिसोर्सेज को अपना बना लिया। हमने नॉन स्टॉप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया, जिसके कारण पूरे अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट सा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड का। और तुम्हें पता है ये सब चीज किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। और इसी सबसे हमें पता चलता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक है, ये एक बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक है जब भी एनवायरनमेंट की बात आती है। यहाँ पे हॉट टॉपिक का मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इन्हीं सब चीजों के कारण कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल बनते हैं, जैसे कि क्या जो आइस सीट है एंटार्क्टिका में, वो इस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर के कारण पूरा पिघल जाएगा? या फिर क्या हम ह्यूमंस के कारण ये जो गल्फ स्ट्रीम है, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाएगा? या फिर सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम ह्यूमंस के कारण ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये एंड हो जाएगा? तो यहाँ पे राइटर रिप्लाई करती है कि मे बी और मे बी नॉट, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन इस पूरे डिबेट का एंटार्क्टिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए नहीं क्योंकि ये एक वर्ल्ड का हिस्सा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस जगह पे कभी भी ह्यूमंस पॉपुलेशन नहीं रहे हैं और ये एक प्रिस्टीन जगह है। प्रिस्टीन का मतलब प्योर होता है। फिर राइटर कहती है एंटार्क्टिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, मतलब यहाँ पे एक और रीजन भी है, क्योंकि एंटार्क्टिका के आइस सीट के नीचे दबे हुए हैं बहुत सारे कार्बन रिकॉर्ड्स जो कि 500,000 साल पुराने। 500,000 का मतलब तुम लोग समझ लो करीब 500,000 साल पुराने। फिर हमें राइटर कहती है अगर हमें अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में जानना है ना, तो एंटार्क्टिका एक परफेक्ट प्लेस है, क्योंकि पता नहीं बर्फ के अंदर क्या क्या होंगे। एंड ट्रस्ट भी, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि मुझे लगता है एंटार्क्टिका के अंदर बहुत सारे डायनासोर दबे हुए होंगे। ऑब्वियसली मरे होंगे, बट मजा आ जाएगा यार देखने में। फिर हमें उस प्रोग्राम के बारे में पता चलता है जिसके कारण ऑथर एंटार्क्टिका गई थी, जिस प्रोग्राम का नाम था स्टूडेंट ऑन आइस। एंड मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस शिप से हमारी राइटर आई थी, उस शिप का नाम सुकेल्सकी था। और इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हाई स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें एंड ऑफ द अर्थ में ले जाया जाता है, मतलब एंटार्क्टिका में ले जाया जाता है, ताकि वो इस जगह के बारे में और ज्यादा अच्छे से स्टडी कर पाए। यार मेरा स्कूल तो पास के नाले के पास भी नहीं ले गया, इनको तो डायरेक्ट एंटार्क्टिका ले जाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हाई स्कूल के बच्चे को न्यू अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में हेल्प मिलती है, और साथ ही साथ प्लैनेट के लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। ये जो प्रोग्राम था ना, ये पिछले 6 सालों से चला आ रहा था, और इस प्रोग्राम के जो हेड थे ना, उनका नाम था जियोफ ग्रीन। एंड जिस इंसान के नाम में ग्रीन हो, वो नेचर से कितना ज्यादा प्यार करते होंगे, वो ऐसे ही पता चल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जो जियोफ ग्रीन थे ना, वो पहले सेलिब्रिटीज, क्यूरियोसिटी सीकर और रिटायर्ड रिच को घुमाया करते थे, लेकिन वो सारे लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते
थे नेचर के लिए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वहां पे ले जाएंगे, क्योंकि जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स थे वो तो हमारे फ्यूचर है ना। क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो तैयार होते हैं नए नए चीज को समझने के लिए, सीखने के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट करने के लिए, मतलब कुछ करने के लिए, ताकि वो नेचर को और अच्छे से समझ पाए और इसके लिए कुछ कर पाए। और हमें ये भी पता है कि जो स्टूडेंट्स है ना, वही आगे चल के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड को सेव करेगी, एंड ये हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनेगा। फिर हमें पता चलता है कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लोग जाते हैं, मतलब एंटार्क्टिका में जो लोग जाते हैं, वो लोग जब अपने आंखों से सामने में एक्चुअली देखते हैं ना, जो बर्फ है वो पिघल रहा है, तो उन्हें समझ में आता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये कितना बड़ा थ्रेट है हमारे लिए, मतलब ये हमें कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। फिर हमें राइटर कहती है, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर, मतलब एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बैठकर बातें करना कि देखो कैसे आईसी टूट रहा है, कैसे हमारा वर्ल्ड एंड हो रहा है, ये बकवास बातें करना बहुत ही आसान है, लेकिन जब तुम खुद से सामने जाकर ये सारी चीज को देखते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि ये सारी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर राइटर कहती है, जो एंटार्क्टिका है ना, ये एक बहुत ही सिंपल इकोसिस्टम है और यहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी भी नहीं है, तो ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं कि कैसे छोटी छोटी चेंजेस भी हमारे अर्थ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें जो राइटर है ना, वो एक एग्जाम्पल दे रही है सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का। ये चीज बिल्कुल ग्रास के जैसा दिखता है, एकदम माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एंटार्क्टिक फूड चेन का, या फिर तुम कह सकते हो ओशियन फूड चेन का। ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स जो हीट एनर्जी है, मतलब जो सन एनर्जी है ना, उसे कार्बन में चेंज कर देते हैं और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हें पता चल ही गया होगा, ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के जरिए ही होता है, और साइंटिस्ट हमें वार्न करते हैं कि अगर ऐसी ओजोन लेयर डिप्लीट होता रहा ना, तो सबसे पहला असर फाइटोप्लैंकटन में पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जो ओशियन फूड चेन होता है वो स्टार्ट ही फाइटोप्लैंकटन से होता है, और इसके कारण जो मरीन लाइफ है, इवन की जो एंटार्क्टिक बर्ड्स है ना, उनका भी एंड नजदीक आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारी जो राइटर है ना, वो हमें एक बहुत ही मस्त सा मेटाफर बताती है, चलो मैं तुम लोग को पढ़ के बताता हूँ, तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसे डिकोड करना। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, डिकोड करके बताओ कमेंट सेक्शन में। तो देखो, हम लोग का जो सबसे पहला पार्ट था, मतलब जो सबसे पहला वीडियो था, उसमें हमने एंटार्क्टिक के हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें की, एंड फिर दूसरे पार्ट में, मतलब दूसरे वीडियो में, हमने ह्यूमन इंपैक्ट्स के बारे में बात की, एंड ये हमारा तीसरा और आखिरी वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर, और इसमें हम बात करने वाले हैं वर्क ऑन द ओशियन के बारे में। नहीं नहीं, ओशियन के ऊपर चलने की बात नहीं करेंगे, हमें इस पार्ट में ये पता चलेगा कि जो हमारी राइटर है ना, वो एंटार्क्टिक तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि ऑब्वियसली यार, एंटार्क्टिका में पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बात, वो एग्जिस्ट है अर्थ के एकदम एंड पे। तो चलो बिना देरी के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हमारे राइटर में बताती है कि उनका ये जो पूरा एंटार्क्टिक का एक्सपीरियंस था ना, वो फुल ऑफ एपिफेनीज था। अब यहाँ पे एपिफेनीज का मतलब वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो, इसका मतलब होता है फुल ऑफ रियलाइजेशन एंड फुल ऑफ नॉलेज। फिर हमारी राइटर कहती है, पता है मेरे इस पूरे जर्नी का बेस्ट पार्ट क्या है? जब एंटार्क्टिक सर्कल में 65.55 डिग्री साउथ की तरफ उनका जो शिप होता है सोकेल्स्की, वो बर्फ में फंस जाता है, वो भी पता है कहाँ पे? पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड के बीच में। देखो, पेनिनसुला वो जगह होता है ना, जो पूरा पानी से सराउंडेड होता है, जैसे कि तुम लोग इंडिया के सदर्न पार्ट को ही ले लो। एंड इस पॉइंट पे पता है, उस शिप के जो कैप्टन थे, जिस शिप में राइटर जा रही थी, वो डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग वापस मुड़ेंगे। देखो, ऑब्वियसली वो लोग अटक गए थे, वो लोग अब आगे नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके जो कैप्टन थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो शिप को वापस घुमाएंगे और वापस नॉर्थ की तरफ चले जाएंगे। पर इससे पहले कि वो लोग वापस नॉर्थ की तरफ जाना शुरू करते हैं, उस शिप से एक गैंग प्लैंक उतारा गया। अब तुम लोग सोच रहे हो, गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक बेसिकली कार्डबोर्ड जैसा होता है, जो कि शिप से उतारा गया ताकि वो लोग पानी पर चलकर उस बड़े से व्हाइट लैंडमार्क के ऊपर जाके कुछ कुछ देख सके, बेसिकली एक्सप्लोर कर सके। तो तुम लोग बेसिकली गैंग प्लैंक को एक बड़ा सा कार्डबोर्ड समझ सकते हो। फिर हमारी राइटर बताती है कि यहाँ पर हम 52 लोग थे और सभी के पास गोरेटेक्स और ग्लेयर्स थे। गोरेटेक्स का मतलब वाटरप्रूफ बैग होता है और ग्लेयर्स का मतलब तुम टॉर्च समझ लो। और ये सभी चीज उनके पास क्यों थी? ताकि वो इजिली उस व्हाइट लैंडमार्क के ऊपर चल सके। फिर हमारी राइटर बताती है, जब वो लोग चल रहे थे ना, वो जो पूरा व्हाइट लैंडमार्क था, वो ऐसा लग रहा था कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और तुम्हें पता, वो लोग आइस के ऊपर चल रहे थे जो कि 1 मीटर थिक थी, लेकिन उसके नीचे 180 मीटर तक बहुत सारा खारा पानी था। खारा पानी का मतलब सॉल्ट वाटर था। और पता है, वो जो सॉल्ट वाटर था, वो लिविंग एंड ब्रीथिंग था। अब हमारी जो राइटर है ना, उन्होंने यहाँ पे लिविंग ब्रीथिंग वर्ड का इसलिए यूज किया गया है क्योंकि उस पानी के नीचे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। फिर हमें पता चलता है कि आइस एज पे बहुत सारी कार्बिटल सील्स सन बाथ ले रही थी, वैसे ही जैसे बनियन ट्री के नीचे कुत्ते बैठा करते हैं। फिर हमारी राइटर कहती है, हाँ ये काफी अनयूजुअल था, लेकिन उन्हें ये बहुत ही नॉर्मल लग रहा था, ये उन्हें कोई रिवॉल्यूशनरी चीज नहीं लग रहा था। फिर हमारी राइटर कहती है, इवन दो उन्होंने 9 टाइम जोन
जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और बहुत सारे इकोस्फेयर को पार कर कर वहां तक वो पहुंची है। लेकिन फिर भी वो वंडर कर रही है कि ये जो पूरा नेचर है वो कैसे इतना परफेक्टली बैलेंस्ड है। फिर हमारी राइटर कहती है, क्या हो अगर एंटार्क्टिका वापस से एक वार्म प्लेस बन जाए, क्या हम लोग उस टाइम तक जिंदा रहेंगे या हम लोग भी डायनासोर्स, मैमोथ्स या फिर वुली राइनोस जैसा टपक जाएंगे। फिर वो कहती है, पता नहीं आगे क्या होगा, बट ये जो एक्सपीरियंस था ना जो हमारी राइटर ने टीनेज बच्चों के साथ बिताया, वो एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उन सारे टीनेजर बच्चों में आइडियलिज्म है जो कि इस पूरे वर्ल्ड को बचा सकता है। फिर हमारी जो राइटर है ना वो कहती है कि आने वाले 1 मिलियन सालों में, मतलब आने वाले 10 लाख सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन क्या तुम्हें पता है एक दिन कितना डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? ये जो टीनेज बच्चे हैं ना, इन्होंने जो एक दिन में सीखा है ना, वो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। एंड हाँ, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा, क्यूट सा नेचर के ऊपर वो खत्म होता है। एंड होप सो मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ कि तुम लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों के साथ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुकेशन भैया। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर को। और इस चैप्टर में दो वुमेन ऑथर हैं, मतलब इस चैप्टर की दो ऑथर है, एक का नाम है जिट काला सा एंड दूसरे का नाम है बामा। जिट काला सा और बामा, ऑथर्स के नेम याद रखना क्लास 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वेल, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि एक चैप्टर में दो ऑथर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअली में दो स्टोरी है, एक चैप्टर के अंदर दो स्टोरी है। हाँ, तुम लोग के साथ स्कैम हुआ है, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब तुम लोग को तो आदत हो गई होगी ना, स्प्रिंग चैप्टर में भी दो दो स्टोरीज थी। हालांकि यू विल लव द स्टोरी, बहुत मजा आने वाला है। तो अगर तुम लोग के पास बुक है ना तो बुक को देखो, स्क्रीन पे देखने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का एक एक लाइन को एक स्टोरी के फॉर्म में तुम लोग को प्रेजेंट करूंगा, बहुत ही मजा आएगा, एक भी लाइन छूटने नहीं वाला है। तो कोई भी अगर लाइन तुम्हें हार्ड लगे या फिर कोई भी लाइन तुम्हें थोड़ा उलझा हुआ लगे ना, तो उसे अंडरलाइन कर लेना, एग्जाम के टाइम में तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी चलो टाइम वेस्ट नहीं करते तुम लोग का, वीडियो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड ऑब्वियसली अगर 12th के बाद मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। इन दोनों ही राइटर्स, मतलब जिटकाला सा और बामा ने अपनी ऑटोग्राफी लिखी है, मतलब अपनी लाइफ की इंसिडेंट्स को इस चैप्टर में शो करा है। और दोनों ही राइटर्स जो है ना वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब बेसिकली बैकवर्ड कम्युनिटी समझ सकते हो। बेसिकली ये जो कम्युनिटीज होती है ना, ये मेन स्ट्रीम कल्चर से बहुत दूर होती है। और इस चैप्टर के माध्यम से वो हमें ये बताएगी ना कि उनका चाइल्डहुड कैसा बीता है और उनका रिलेशनशिप कैसा था मेन स्ट्रीम कल्चर के साथ। बेसिकली वो यही बताएगी कि उनके साथ कितना भेदभाव होता था, जो हाई क्लास के लोग थे, जो मेन स्ट्रीम कल्चर के लोग थे ना, वो उनके साथ कैसा बिहेव करते थे और उन्होंने अपने चाइल्डहुड में क्या क्या एक्सपीरियंस करा है। इस चैप्टर का जो फर्स्ट स्टोरी है ना, उसका नाम है द कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर्स। और इस चैप्टर को लिखा है जिटकाला सा ने। जिटकाला सा का पूरा और जो मेन नेम था ना, वो था गर्टरूड सिमन्स बॉनिन। इनका जन्म 1876 में हुआ था। ये एक नेटिव अमेरिकन वुमेन थी, मतलब इनका जो फैमिली था ना ये इंडिया से था, लेकिन इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। और ये जो थी ना, इन्होंने बचपन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव फेस करा था। यहाँ पर प्रीजुडिस का मतलब तुम भेदभाव समझ सकते हो। और 1900 के टाइम में इन्होंने बहुत सारी आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए, कार्जाइल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज करते हुए। उन्होंने डोगमा को भी क्रिटिसाइज किया गया था। डोगमा एक बिलीफ था ना, जिसमें एक इंसान को कोई भी क्रूशियल राइट नहीं था कि वो क्वेश्चन कर सकता है, और इस बिलीफ में एक पर्टिकुलर इंसान का कोई ओपिनियन मैटर नहीं करता है, और अगर उसे कोई काम मिला है ना तो उसे उसको पूरा करना पड़ेगा बिना कोई क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए जिटकाला सा ने डोगमा को भी क्रिटिसाइज करा है। और उन्होंने अपना पूरा लाइफ फाइट किया है ऑपरेशन के खिलाफ, मतलब कि हरासमेंट के खिलाफ, दबाव के खिलाफ, फोर्सिंग के खिलाफ। ये था हमारे ऑथर के बारे में जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तो चलो अब चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर बाय जिटकाला सा। तो चैप्टर कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा पहला दिन था लैंड ऑफ एप्पल्स में और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी थी। यहाँ पर ऑथर लैंड ऑफ एप्पल्स बोलकर अपने स्कूल को डिनोट कर रही है, प्रेजेंट कर रही है। और जो ग्राउंड था ना वो पूरा स्नो से भरा हुआ था, और इवन वहां पे जो ट्रीज थे ना वो पूरे के पूरे बेयर थे, मतलब उनमें बिल्कुल भी लीव्स नहीं था, बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल सूखे पेड़ थे। तभी जोर से बेल रैंग की आवाज आती है। वो बेल रैंग बेसिकली ब्रेकफास्ट के लिए था। बहुत ही ज्यादा लाउड मेटेलिक साउंड थी जो बेलफ्राई से आ रही थी। बेलफ्राई बेसिकली बेल टावर होता है, और वो आवाज इतना ज्यादा लाउड था ना कि लग रहा था कि हमारे कान में आके वो साउंड एकदम क्रैश कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चुभ रहा है। और
हम सभी के सेंसिटिव ईयर्स के लिए ये झेलना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हम सभी बच्चे थे, ऑब्वियसली स्कूल में सब बच्चे ही होते हैं। फिर जटिला सा कहती है, बस वो बेल रैंक का आवाज ही बहुत इरिटेटिंग नहीं था बल्कि वहाँ पर क्लैश ऑफ हार्श नॉइज थी, मतलब बहुत तरह की रफ साउंड्स एक साथ मिलकर बहुत ही गंदा साउंड प्रोड्यूस कर रही थी। एक तो बेल रैंक की आवाज, दूसरी लोग फर्श पे इतना जोर जोर से अपने जूतों से चल रहे थे ना कि वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग साउंड कर रहा था। बस इतना कम था क्या कि सारे जो बच्चे होते हैं वो अपने अपने मदर टंग में मरमर करने लगते हैं, जो बिल्कुल मेरे लिए अननोन था। देखो एक्चुअली में वो लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे लेकिन ऑथर को इंग्लिश नहीं आता था तो उन्हें बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, और इतनी सारी आवाजें सुनकर ऑथर को ऐसा लग रहा था ना किसी ने उन्हें सिक्योरली एक पागल खाने में बांध कर रख दिया है। ऑथर की जो स्पिरिट थी, मतलब की जो आत्मा थी ना, वो अपनी फ्रीडम को पाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। पर ऑथर कहती है ये जो स्ट्रगल है ना ये बिल्कुल यूजलेस था, क्योंकि ऑथर जब अपने घर में थी, अपने लोगों के साथ थी ना, तब उनके पास बहुत ज्यादा फ्रीडम था, वो कुछ भी कर सकती थी, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। बट यहाँ पर उनका ये सारा जो फ्रीडम था ना ये छिना गया था, मतलब कि उस स्कूल में। फिर जिटकिला साहब बताती है कि एक पेल फेस वुमन, मतलब एक ऐसी औरत जिसके फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, जिसका व्हाइट हेयर था, वो हमारे पास आती है एंड सारी लड़कियों को लाइन में खड़े होने के लिए बोलती है, और उसके बाद हम सबको मार्च करवा के डाइनिंग रूम की तरफ ले जाती है। अब ये मत बोलना कि मार्च पास्ट का मतलब क्या होता है, हमने तो कभी स्कूल में करा ही नहीं है। उस स्कूल में दूसरी इंडियन गर्ल्स भी थी, मतलब इंडियन लड़कियां भी थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज्यादा टाइट जूता और बहुत ही ज्यादा टाइट ड्रेस पहन के रखा था, और उसी स्कूल में जो छोटी लड़कियां थी ना उन्होंने स्लीव्ड एप्रन पहन के रखा था, और सबसे अजीब तो उनके सिंगल्ड हेयर थे। सिंगल्ड हेयर बेसिकली तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कैसा दिखता है, बहुत ही छोटा सा होता है, कर्ली कर्ली होता है। जिटकिला सा कहती है कि उन्होंने मोकेजिन पहन रखा था, उन्होंने जूते नहीं पहने थे। मोकेजिन जो होता है ना वो लेदर का बहुत ही सॉफ्ट जूता टाइप का ही होता है, जिससे वो बिना आवाज किए फ्लोर में सिंक कर पा रही थी, मतलब बहुत ही आराम से चल पा रही थी। फिर वो बताती है कि उन्होंने एक ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था लेकिन स्कूल वाले ने उनसे वो ब्लैंकेट ले लिया था, छीन लिया था। फिर जिटकिला सा सोचती है कि क्या ये दूसरी जो इंडियन लड़की है इनको फर्क नहीं पड़ता है कि इन्होंने इतने बेकार तरीके से अपना ड्रेस को पहन रखा है, इतना टाइट ड्रेस पहना है। इवन ये जो इंडियन लड़कियां है ना ये लोग तो मुझसे भी खराब तरीके से ड्रेस्ड है, बहुत ही गंदी तरीके से। फिर वो बताती है कि हम लोग मार्च करते हुए डाइनिंग रूम की तरफ जा रहे थे तभी अपोजिट साइड में एक डोर खुलता है, वहां से जो लड़के होते हैं ना वो आ रहे होते हैं, और वो कहती है कि वहां से तीन ब्रेव लड़के इंटर करते हैं, मतलब आ रहे होते हैं। और जिटकिला साह को वो तीन लड़के ब्रेव इसलिए लगते हैं ना क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब ड्रेस नहीं पहन रखी होती है, उन्होंने एकदम लूजली नॉर्मल बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस पहन रखी होती है। फिर जब वो ध्यान से उन्हें पीछे मुड़कर देखती है ना तब उन्हें रियलाइज होता है कि वो तीनों लड़के भी उतने ही अनकंफर्टेबल है जितना वो खुद को फील कर रही है। तभी वहां पे एक बेल की आवाज आती है और सभी अपने चेयर को पीछे पुल करते हैं, मतलब पीछे खींचते हैं, तो ऑथर भी उनका देखा देखी उस चेयर को पीछे खींचती है और फिर साइड से उस चेयर में बैठ जाती है। फिर तभी वो रियलाइज करती है कि उनके अलावा उस हॉल में कोई भी नहीं बैठा था। ये देखकर वो खड़े होने लगती है और उस पॉइंट ऑफ टाइम में उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्म आ रहा होता है, और वो खड़ी ही हो रही होती है कि अचानक से सेकंड बेल बजता है और सभी उस चेयर पे बैठ जाते हैं, और फिर ऑथर भी तुरंत उसी टाइम पे अपने चेयर पे बैठ जाती है। तभी ऑथर को हॉल के दूर वाले साइड में एक आदमी की आवाज आ रही होती है, वो उन्हें देखने की कोशिश करती है लेकिन फिर वो नोटिस करती है ना कि उस हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी ने अपने हेड को झुका रखा है टेबल की तरफ, और वहां पे बहुत सारे टेबल्स थे और सभी चेन सिक्वेंस में अरेंज्ड थे। तभी वो फिर से एक पेल फेस वुमन को देखती है जो कि जिटकिला साह को घूर रही होती है। तभी वो जल्दी से अपना सर को भी झुका लेती है सभी दूसरे बच्चों की तरह, और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर क्यों वो वुमन उसे घूर रही है। और जैसे ही वो इंसान जो हॉल में स्पोक कर रहा था, जो मरमर कर रहा था, वो जैसे ही चुप होता है तभी वो देखती है कि थर्ड बेल बजता है और सभी अपना फोक और स्पून उठाकर खाना शुरू कर देते। और फिर जिटकिला साह नोटिस करती है कि तभी वो जो मरमर कर रहा था, वो जो इंसान एक्चुअली में वो प्रेयर ही गा रहा था, तो जैसे ही वो प्रेयर गाना बंद करता है, यहाँ पे ऑथर मरमर बोली है क्योंकि उन्हें उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, मतलब कि ऑथर को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो ऑथर कहती है कि जैसे ही वो इंसान मरमर करना जो प्रेयर गाना बंद करता है तभी थर्ड बेल बजता है और सभी स्पून और फोर्क उठा के खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिटकिला साह खाना नहीं खाती है बल्कि वो रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हो रहा था, बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक औरत उन्हें क्यों घूर रही है, उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर क्यों बेल बजने पे लोग अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं, और वो इंसान मरमर क्यों कर रहा था, आखिर क्यों दूसरी इंडियन लड़कियों ने बहुत ही ज्यादा टाइट कपड़े और टाइट जूते पहने हुए हैं और वो अपना खाना भी नहीं खा पा रही होती है, हो सकता है उन्हें फोर्क और स्पून से खाने नहीं आता होगा। प्लसा कहती है कि ये जो ईटिंग बाई फॉर्मूला है ना, मतलब कि पहले लोग आएंगे, पहले चेयर को पीछे घसकाएंगे, फिर बेल रैंक का वेट करेंगे, फिर मतलब अलग अलग प्रोसेस चलेगा, पहले लोग प्रेयर करेंगे, उसके बाद फोर्क और स्पून उठाएंगे, फिर खाएंगे, ये जो चीज था ना ये सबसे ज्यादा खराब चीज या सबसे ज्यादा बेकार चीज नहीं था उनके लिए उस दिन, क्योंकि उस दिन सुबह को उन्होंने इस चीज से भी ज्यादा खराब चीज के बारे में सुना।
सुना था। वो बताती है कि उनकी एक फ्रेंड है जिनका नाम जुडविन है, जो कि उसी स्कूल में पढ़ती है। वो जिटकिला सा को बताती है कि आज एक पेल फेस वुमन बात कर रही थी कि हम सभी का, मतलब हम सभी जो लड़की है ना, हम सभी के लॉन्ग हेयर्स को काटा जाएगा। द पेल फेस वुमन वर टॉकिंग अबाउट कटिंग ऑफ देयर लॉन्ग हेयर्स। ये बात सुनकर ऑथर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मतलब जो जिटकिला सा होती है ना, उनका मतलब एकदम फट के हाथ में आ जाता है। इट्स जस्ट अ फ्रेज। ओके वीडियो से कट ही कर दूंगा, वरना लोग ना रैगिंग कर देते हैं कमेंट सेक्शन। अब जिटकिला सा बताती है कि उन्हें छोटे हेयर्स क्यों नहीं पसंद थे, क्योंकि जिटकिला सा की जो मदर थी, उन्होंने उन्हें सिखाया था, उन्होंने उन्हें बताया था कि जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं, मतलब कि ऐसे वॉरियर्स जिन्हें लड़ना नहीं आता है, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती है, और वो पकड़ा जाते थे वार में, तो उनके जो एनिमीज थे ना, वो उनके बालों को काट दिया करते थे, ये जताने के लिए कि वो लोग वॉरियर्स कहलाने के लायक नहीं है, या फिर ये जताने के लिए कि वो लोग कितने ज्यादा डरपोक है। मतलब अगर एक लाइन में कहो तो जिटकिला सा को लगता था कि छोटे बाल होने का मतलब होता है कि वो इंसान डरपोक है। फिर वो एक और रीजन बताती है कि उन्हें छोटे बाल क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि उनके कल्चर में जो शॉर्ट हेयर्स है ना, वो मोर्नर्स रखते थे, मतलब जिनके घर में किसी का डेथ हो जाता है ना, तो उनके घर में बाल कटवाना पड़ता है। मतलब कि बेसिकली छोटे हेयर्स जो होते हैं ना, वो या तो डरपोक रखते हैं, या तो वो रखते हैं जिनके घर में किसी का डेथ हो गया। फिर जुडेविन, जो जिटकिला सा की दोस्त है, वो कहती है कि हमें हार मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के सामने वाले जो लोग हैं, मतलब जो स्कूल वाले लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जिटकिला सा इस चीज को अपोज करती है और वो हार ना मानने को कहती। वो कहती है कि वो स्ट्रगल करेगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। मतलब बेसिकली मैं सरेंडर नहीं करूंगी, मैं लड़ूंगी अपने हेयर्स के लिए। अरे पता है क्या, मैं भी सोचता था अपने स्कूल के टाइम में बाल नहीं कटवाऊंगा, मैं भी फाइट बैक करूंगा, लेकिन हमारे जो पीटी सर थे ना, बाल नहीं कटवा के आओगे ना, तो बाल खींच के तबड़क तबड़क मारते थे, इसलिए मैं तो सरेंडर कर देता था, भाई मेरे को नहीं करना फाइट बैक। खैर स्टोरी पे आते, फिर जिटकिला सा जो होती है ना, वो अपने चांस का वेट कर रही होती है, और जब उन्हें कोई भी नहीं देख रहा होता है, वो अचानक से डिसअपीयर हो जाती है, मतलब वहां से गायब हो जाती है, और बहुत ही धीरे धीरे से स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने लगती है। फिर वो कहती है उनसे उनके मोकेजिंस छीन लिए गए थे और उन्हें भी स्टिफ सूज दे दिया गया था, फिर भी वो बहुत धीरे धीरे स्टेयर्स पे चढ़ती है ताकि आवाज ना आए। फिर वो एक हॉल से पास होती है और तभी वो नोटिस करती है कि वहां पे एक ओपन डोर है, खुला दरवाजा है, और उस रूम के अंदर तीन व्हाइट कलर के बेड थे, और वहां पर जो विंडो थी ना, वो ग्रीन कर्टेन से कवर थी, मतलब हरा कलर का पर्दा लगा हुआ था, और उस डार्क ग्रीन कर्टेन की वजह से बिल्कुल भी उस रूम में लाइट नहीं आ रहा था, मतलब बहुत ही हल्का लाइट आ रहा था। और उस रूम में जो थर्ड बेड था ना, तीसरा नंबर का जो पलंग था, उसके नीचे जाके छुप जाती है, जो एकदम कॉर्नर में बेड नहीं था, थर्ड वाला, उसमें। और वो बेड के नीचे से झांक कर देखने लगती है, और वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है या कांपने लगती है जब उन्हें कोई भी फुटस्टेप का आवाज सुनाई देता है उनके रूम के आसपास। तभी जिटकिला सा सुनती है कि कोई उनके नाम को बार बार चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा है, और जो जुडेविन होती है, मतलब जो जिटकिला सा की दोस्त होती है ना, वो भी उसके नाम को बहुत ही जोर से चिल्ला चिल्ला के बुला रही होती है, लेकिन वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है, कोई भी आवाज का जवाब नहीं देती है, और बेड के नीचे छुपे रहती है। लेकिन जो फुटस्टेप्स के आवाज थे ना, वो और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, मतलब लोग उनके रूम के करीब आने लगते हैं, तो वो और भी ज्यादा डरने लगती है। और फिर एक वोमेन और कुछ लड़कियां उस रूम में इंटर करती है, मतलब आती है, और वो देखती है कि वो जो लड़कियां है और वो जो वोमेन है ना, वो क्लोजेट को खोल खोल के, मतलब जो कबर्ड से उन्हें खोल खोल कर देख रही होती है, और बड़े बड़े ट्रंक्स को, मतलब सूटकेस वगैरह को चेक कर रहे होते हैं, मतलब कि सूटकेस वगैरह को चेक कर रहे होते हैं। और तभी उनमें से एक लड़की कर्टेंस को हटा देती है, जिसकी वजह से वो जो पूरा रूम था ना, वो रोशनी से, मतलब एकदम लाइट से भर जाता है। और उसके बाद ऑथर कहती है, मतलब जिटकिला सा कहती है कि पता नहीं उस वोमेन को क्या ख्याल आता है कि बेड के नीचे चेक कर लिया जाए। और जैसे ही वो वुमेन बेड के नीचे झुक करके देखती है, तभी वो देख लेती है ऑथर को, मतलब जिटकिला सा को, और उसके बाद उन्हें वहां से ड्रैग कर बाहर निकाला जाता है, मतलब घसीटते हुए घींचते हुए। उसके बाद ऑथर कहती है कि हाँ, मैंने भी रेजिस्ट करा बाय किकिंग एंड स्क्रैचिंग वाइल्डली, मतलब कि हाँ, मैंने भी उन्हें लात मारा और उन्हें स्क्रैच करा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा पाती है। उन्हें वहां से उठाकर नीचे डाउनस्टेयर्स, मतलब नीचे ले जाया जाता है, और फिर उन्हें जल्दी जल्दी एक चेयर से बांध दिया जाता है। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगती हूँ, इवन मैं अपने सर को बहुत जोर जोर से हिलाती हूँ, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। जो कोल्ड ब्लेड्स ऑफ सीजर्स थे, मतलब जो कैची था ना, वो मेरे नेक के ऊपर मैं फील कर पा रही थी, और मैं अपने थिक हेयर्स को कटते हुए सुन पा रही थी। अब वो हिम्मत हार जाती है और अपने सर को हिलाना भी बंद कर देती है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एक चोटी कट चुकी थी, और उसके बाद से मैंने अपनी आत्मा को अपने आप से खो दिया है। फिर वो बताती है कि जब से मैं अपनी माँ से दूर आई हूँ ना, तब से मैंने बहुत ज्यादा सफर करा है, और जब से वो अपनी माँ से दूर हुई है, लोग उन्हें स्टेयर करते हैं, लोग उन्हें घूरते रहते हैं, उन्हें एकदम पपेट की तरह इधर से उधर टॉस किया जाता है। और क्या, इतना कम था कि अब मेरे बालों को भी काट दिया गया है और मुझे कॉवर्ड बना दिया गया है। मतलब कि जैसे बाल डरपोकों के होते हैं, वैसे बाल मुझे दे दिए गए हैं, वो छोटे घुमावदार बाल। आई मोन्ड फॉर माई मदर, मतलब मैं बहुत ज्यादा रोती थी अपनी माँ के लिए, लेकिन मुझे कोई भी कम्फर्ट नहीं दे पाता था। मतलब तुम खुद सोचो ना यार, अगर तुम कभी रो रहे हो, बहुत ज्यादा रो रहे हो, एंड तुम्हारे पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें समझे, कैसा फील होगा। हालांकि जब तुम ग्रो होते हो, तो तुम्हें एक्चुअली फील हो जाता है कि जिंदगी की सच्चाई तो यही है यार, एक्चुअली में जब
तुम रोगे ना तो तुम्हारे पास ऐसे कोई लोग नहीं होंगे जो तुम्हें समझे, अगर है तो बहुत बड़ी बात है। होप सो वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। हालांकि ट्रैक से नहीं हटते, वापस से चैप्टर में आते। उस स्कूल में उस जगह पे ऐसा कोई भी नहीं था जो उन्हें संभाल सके, जो उनके पास आकर चुपचाप बैठ सके और उन्हें समझा सके, जैसा कि मेरी माँ करती थी जब मुझे सैड फील होता था, जब मैं रोती थी। और वो कहती है कि अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं भी उन कुछ छोटे छोटे एनिमल्स जैसी हूँ जिन्हें हर्डर संभालता है। मतलब कि एक इंसान जो जानवरों को पालता है या फिर ट्रेन करता है, चाहे ट्रेन करने में कुछ भी जाए, मतलब मारना पड़े पीटना पड़े, वो सब कुछ करता है। तो जिटकिला सा को लगता है कि वो भी बिल्कुल उस जानवर की तरह है जिसे ये स्कूल वाले क्वेश्चन करने का राइट नहीं देते हैं, जिसे ये स्कूल वाले अपने मर्जी से चला रहे हैं या सिखा रहे हैं या ट्रेन कर रहे हैं। एंड इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर होता है प्यारा सा छोटा सा खत्म होता है। पार्ट वन में हमने पढ़ा था द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाई जिटकाला सा, और पार्ट टू में हम लोग पढ़ने वाले वी टू आर ह्यूमन बींग्स वाले स्टोरी को, जिसे लिखा है हमारी ऑथर बामा ने। बामा हमारी राइटर का एक्चुअल नेम नहीं है बल्कि वो उनका पेन नेम है। और हमारी राइटर या फिर ऑथर कह लो बामा जी जो है ना, वो एक तमिल दलित थी फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। उनके तीन मेन वर्क है, एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम करुकु है जो कि 1992 में उन्होंने पब्लिश करा था, एक नोवेल भी है जिसका नाम संगति है जो कि 1994 में उन्होंने पब्लिश करा था, और उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जिसमें ग्रुप ऑफ स्टोरीज थे, जिस बुक का नाम है किसम्बुकरण जो कि 1996 में उन्होंने पब्लिश करा था। तो आज जो हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं ना, वी टू आर ह्यूमन बींग्स, वो उनके ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है। मतलब उन्होंने जो बुक लिखा था ना 1992 में कुरुकु नाम से, उस बुक का एक छोटा सा पार्ट है। कुरुकु का एक्चुअल मतलब पलमायरा लीव्स होता है, और ये जो पत्तियां होती है ना, ये दो धारी तलवार जैसी दिखती है, तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो, बस इतना जान लो, मोर देन सफिशियंट है। तो चलो अब स्टोरी को मजा लेकर डिटेल में पढ़ते हैं। The Untouchable Kids of India। बामा जी बताती है कि जब वो थर्ड क्लास में थी ना, तब लोग ओपनली ऐसे अनटचेबिलिटी के बारे में बातें नहीं करते थे, और ना ही उन्हें अनटचेबिलिटी का मतलब पता था। हालांकि मैंने अनटचेबिलिटी को देखा था, फील भी किया था, एक्सपीरियंस भी किया था, और इसके कारण मैं ह्यूमिलिएट भी हुई थी। मतलब लोगों ने मुझे एम्बैरेस भी किया था, मतलब लोगों ने मुझे जताया था कि मैं एक अनटचेबल हूँ। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो ऑथर है, मतलब जो बामा जी है ना, वो भी अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करती है। बामा जी बताती है कि एक दिन वो अपने स्कूल से घर जा रही होती है, उनके शोल्डर में एक बहुत ही पुराना सा बैग लटका हुआ था, और हालांकि मुझे स्कूल से घर जाने में बस 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन फिर भी मुझे 30 मिनट लग जाते थे, 30 मिनट्स। और आमतौर पे मैं 30 मिनट से लेके एक घंटा तक बस रोड में घूमा करती थी। मैं आराम से घूमते घूमते घर जाती थी, सारे फन वाले चीजें, सारे गेम्स वाले चीजें को देखते देखते, मतलब रास्ते में जो भी मजेदार चीज उन्हें दिखती थी ना, वो उसे बस बैठ के देखते रहती थी, ऐसे ही घूमते रहती थी रोड पे, जानबूझ के घर लेट से जाती थी। जितनी भी नोवेलिटीज थी, जितनी भी ऑडिटीज थी, नोवेलिटीज का मतलब नई नई चीजें, और ऑडिटीज का मतलब बहुत ही अनयूजुअल चीजें, जितनी भी नई नई चीजें थी और जितनी भी अनयूजुअल चीजें थी ना, ऑथर शांति से बैठकर या खड़े होकर उन्हें देखा करती थी। जैसे कि उन्हें कभी कभी परफॉर्मिंग मंकी देखने को मिल जाता था, जो लोग नहीं होते मंकी को नचवाते हैं रोड पे, तुमने देखा ही होगा कभी ना कभी। कभी कभी उन्हें रास्तों में सांप और सपेरा भी देखने को मिल जाता था, जो सपेरा था बिन बजाता था और सांप ऐसे से नाचता था, मतलब कि स्नेक विद द स्नेक चार्मर। और उस दिन जब वो घर जा रही थी ना, उन्हें रास्ते में एक साइक्लिस्ट भी दिखता है जो कि लगातार 3 दिन से साइकिल चला रहा था, और वो साइक्लिस्ट सुबह से रात तक रुकता नहीं था। कुछ लोग उस साइक्लिस्ट को मोटिवेटेड रखने के लिए उसके शर्ट पे कुछ पैसे पिन कर देते थे, जैसे कभी कोई डांस प्रोग्राम चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, तो तुम फिर पैसा फेंकते हो ना। एक सेकंड, ये गलत एग्जांपल नहीं सेट हो रहा है? ओके सॉरी। हाँ, ट्रैक पे आते हैं, तो वो जो साइक्लिस्ट था ना, वो साइक्लिस्ट साइकिल चलाते रहे, इसलिए लोग उसके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए उसके शर्ट पे कुछ पैसा पिन कर देते थे। और बामा जी जब चलते चलते और थोड़ा आगे जाती थी, तो वहां पे उन्हें स्पिनिंग व्हील भी दिखता था। यार मैं जब भी इस पे बैठता हूं, मेरे को चक्कर आते हैं, तुम लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं, तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़े और आगे जाने के बाद उन्हें मर्यादा टेम्पल देखने को मिलता था, और उस टेम्पल की एक और खास बात थी कि उस टेम्पल में बहुत बड़ी बड़ी बेल्स भी टंगी हुई रहती थी, और इवन उस टेम्पल में पोंगल भी सर्व किया जाता था शादी के तौर में। पोंगल कैसा दिखता है तुम लोग देख सकते हो, चावल जैसा ही होता है। थोड़े और आगे जाने के बाद एक फिश स्टॉल था जो कि गांधी जी के स्टैचू के जस्ट नीचे लगा हुआ था। फिश मतलब मछली का स्टॉल। और थोड़ा सा और आगे जाने के बाद स्वीट स्टॉल, मतलब जहाँ पे मिठाइयाँ मिलती है, और उसी से सटा हुआ फ्राइड स्नैक्स का भी शॉप था। फ्राइड स्नैक्स मतलब जैसे समोसा, कचौड़ी, पूरी, समझ रहे हो ना। और भी बहुत सारे शॉप थे जो वहीं पे लाइन में लगे हुए थे। फिर वो चलते चलते एक स्ट्रीट लाइट को देखती है जो बार बार अपना कलर चेंज कर रहा था, ब्लू से वायलेट हो जा रहा था। ब्लू और वायलेट कैसा दिखता है वो भी तुम्हें
स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा और आगे चलने के बाद बामा जी देखती है कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिसे लोग नारी कुरवन हंटर जिप्सी के नाम से बुलाते हैं, और उनके पास केज के अंदर कुछ लेमूर्स थे। अरे लेमूर एक तरह का जानवर होता है जो क्यूट बंदर जैसा दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का कुछ होता है, और वो लोग नीडल्स बेच रहे थे, कुछ लोग क्ले बीड्स बेच रहे थे और कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लीनिंग ईयर्स, कान साफ करने के लिए जो शायद रुई वाला होता है ना वही बेच रहे होंगे, ईयरबड्स बेसिकली। और उसके बाद बामा जी कहती है कि ओ माय गॉड यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं बताते 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 जा सकती हूँ, और ये चीजें कभी खत्म नहीं होगी। और ये सारी जो चीजें थी ना, मतलब जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जो सारी चीजें मैंने अभी तुम्हें बताई दिखाई, ये सारी चीज बामा जी को अपनी तरफ खींचती थी और घर जल्दी जाने से रोकती थी। इसलिए बामा जी को स्कूल से घर जाने में 10 मिनट के जगह आधा घंटा, कभी कभी एक घंटा भी लग जाता था। फिर बामा जी कहती है कि कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं ना, वो लोग कभी कभी वहाँ पे स्टेज ऑर्गेनाइज करवा देते थे और माइक के थ्रू लोगों को एड्रेस करते थे, लोगों से बातें करते थे, स्पीच आके देते थे, और कभी कभी तो स्ट्रीट प्ले, पपेट शो, और कभी कभी तो नो मैजिक नो मिरेकल शोज भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे, मतलब जिसमें कोई मैजिक वगैरह नहीं होता था, बस स्टंट होता था। जैसे तुम लोग कभी मेले में गए हो, वहाँ पे बाइक स्टंट तुमने देखा ही होगा, और ऐसे ही बामा जी के जो रास्ते में चीजें आती थी ना, वो उन्हें एंटरटेन करते रहती थी और हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ होते ही रहता था। और चलो मान लेते हैं किसी दिन ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन फिर भी रास्ते में बहुत सारे कॉफी क्लब्स आते हैं, और उन कॉफी क्लब्स में जो वेटर होते हैं ना, वो कॉफी को ठंडा करने के लिए एक टम्बलर में भर कर ऊपर से नीचे पॉर करते हैं, एक हाथ से ऊपर उठा के दूसरे हाथ में जो टम्बलर है उसमें पॉर करते हैं, जैसा कि तुम लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होगे। और वहीं आसपास के होटल में बामा जी ये भी देखती थी कि कुछ लोग होते हैं जो बैठ के ओनियंस काट रहे होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड में, लेकिन आंखों को दूसरी तरफ करके, ताकि उनकी आंखों में जलन ना हो, ताकि उनके आंखों से आंसू ना आए। और जब बामा जी अपनी घर जाती थी ना, तो रास्ते में बहुत सारे एलमंड्स के ट्रीज लगे होते थे, और तुम्हें पता ही होगा कि कभी कभार बहुत तेज हवा चलती है, उसके कारण जो ये एलमंड्स होते हैं ना वो गिरने लगते थे, और ये देख के बहुत सारे लोग वहां पे आके उसे कलेक्ट करने लगते थे। बामा जी के आंखों के सामने इतने सारे चीज हो रहे होते थे ना कि ये सब चीज उनके पैरों को ऑटोमेटिकली रोक लेते थे और उन्हें रोक लेते थे जल्दी घर जाने से। फिर बामा जी कहती है रुको जरा, अभी कहां खत्म हुआ है। घर जाते वक्त उन्हें बहुत बड़ा फ्रूट मार्केट दिखता था जहां पे सीजनल फ्रूट्स रखे हुए होते थे, जैसे कि मैंगो, कुकुम्बर, सुगर केन, स्वीट पोटैटो, पाम सॉल्ट्स, पाम सिरप एंड पाम फ्रूट, गुआवास भी होते थे, जैक फ्रूट भी होते थे, और भी बहुत तरह के फ्रूट्स। और वो रोज देखती थी कि बहुत सारे लोग आकर अलग अलग चीजें बेचा करते थे, जैसे कि स्वीट मतलब कि जो मिठाई होता है, इसकी स्नैक्स, पाइसन, हलवा, बॉयल्ड टर्मरिट सीड मतलब कि इमली को बॉयल करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, एंड आइस्ड लॉलीज। आइस्ड लॉलीज का मतलब बेसिकली गोला जैसा ही कुछ होता है, तुमने इंडिया में गोला तो खाया ही होगा ना। फिर बामा जी बताती है कि ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर जा रही होती हूँ और मैं अपने स्ट्रीट तक पहुंचती हूँ जहाँ से मेरा मोहल्ला शुरू होता है, जहाँ पे मेरे टाइप के लोग होते हैं, और उस वक्त भी मैंने अपने शोल्डर पे बैग टांगा हुआ था, और मैं जहाँ खड़ी थी मेरे अपोजिट कॉर्नर में एक थ्रेसिंग फ्लोर को सेटअप किया गया था। थ्रेसिंग फ्लोर को सेटअप करना मतलब तुमने 10th में पढ़ा होगा ना कि बेसिकली थ्रेसिंग प्रोसेस में ना हम ग्रेन्स को प्लांट से अलग करते हैं, और वहीं पर उस जमीन का जो लैंडलॉर्ड होता है ना वो पत्थर के ऊपर बोरी बिछा के बैठा हुआ था और वर्कर्स को काम करते हुए, मतलब कि जो बामा है ना उनके जैसे लोगों को काम करते हुए देख रहा था, मतलब कि जिस कम्युनिटी से बामा बिलोंग करती है। और फिर बामा बताती है कि उनके कैटेगरी के जो लोग थे ना, जो बामा के कैटेगरी के लोग थे, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, चाहे बैल बकरी चलाना हो मतलब कि कैटल्स को चलाना हो, चाहे बैलों को घुमा घुमा कर थ्रेसिंग करना हो, इस प्रोसेस में वो ग्रेन्स को स्ट्रॉ से अलग करते थे, और साथ ही में इस प्रोसेस में जो कैटल्स थे मतलब जो भी बैल होंगे उनके मुंह को बंद करके मजल्ड करके रखा गया था ताकि वो इस प्रोसेस में ग्रेन्स को खुद ना खा जाए। और जो बामा जी थी ना वो इस प्रोसेस को देख रही थी एंड उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। तभी बामा जी के कम्युनिटी के एक एल्डर मतलब एक बड़े आदमी इन नॉट इन द सेंस ऑफ मनी, बड़े आदमी इन द सेंस ऑफ एज, वो बाजार से आ रहे थे एंड वो बहुत ज्यादा लाइक एजेड हो गए थे, तो वो थोड़ा झुक करके चल रहे थे। ये देखकर बामा जी को भी उनको कॉपी करने का मन कर रहा था। बामा जी उनको देख के बहुत ज्यादा जोर से हंसना भी चाहती थी लेकिन वो नहीं हंसती है। और वो हंसना क्यों चाहती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े इंसान है, एल्डर है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक छोटी सी पॉलीथिन को कैसे पकड़ के रखा है। फिर बामा जी गेस करती है कि आखिर उस पॉलीथिन में मतलब उस छोटी से थैली में क्या होगा, क्या उसमें वड़ा होगा, वड़ाई होगा मतलब वड़ा होगा, या फिर ग्रीन बनाना भाजी होगा। और बामा जी ऐसा इसलिए गेस करती है क्योंकि जिस पेपर में वो रैप करके रखा हुआ था ना उसमें थोड़ा तेल लगा हुआ था, तेल का स्ट्रेन था, और वो जो एल्डर थे ना उन्होंने उस पैकेट को स्ट्रिंग से मतलब ऊपरी हिस्सा से पकड़ के रखा था, जैसे पॉलीथिन का ऊपर वाला हिस्सा होता है या फिर पेपर बैग का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे, और वो बैग को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे। लेकिन बामा जी ये सोच रही थी कि अगर कोई इंसान ऐसे करके पकड़ेगा तो हो सकता है वड़ाई नीचे गिर जाए या फिर भाजी नीचे गिर जाए अगर बाय चांस स्ट्रिंग टूट जाता है तो, और ये भी हो सकता था ना कि ऑयल के कारण वो पैकेट फट सकता था, इससे ये पता चलता है कि वो पेपर बैग ही है, पॉलीथिन नहीं है। फिर बामा जी देखती है कि वो जो एल्डर आदमी होते हैं ना वो उस लैंडलॉर्ड के पास
पास जाते हैं और थोड़ा और झुकते हैं और अपने हाथों को आगे करते हैं और वो जो बैग होता है वो लैंडलॉर्ड को देते हैं। और जब वो अपना हाथ आगे करते हैं ना तो वो दूसरी हाथ से अपने पहले हाथ को सपोर्ट भी देते हैं और फिर लैंडलॉर्ड उस पैकेट को खोलकर वडई को खाने लग जाते हैं और फिर लैंडलॉर्ड उस पैकेट को खोल के वड़ा खाने लग जाते हैं। फिर बामा जी इस इंसिडेंट को देखने के बाद सीधा अपने घर चले जाती है और इस चीज के बारे में अपने बड़े भाई को बताती है और वो इस पूरे इंसिडेंट को बहुत ही कॉमिक वे मतलब बहुत ही फन वे में बताती है और ये चीज सोच के वो बहुत ज्यादा हंसने भी लग जाती है कि कैसे वो एल्डर आदमी उस बैग को ले जाता है और कैसे लैंडलॉर्ड को देता है। लेकिन बामा जी के जो बड़े भाई होते हैं ना उनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है इस बात पे। और फिर बामा जी के बड़े भाई बामा जी को बोलते हैं, उन्हें रियलिटी बताते हैं कि वो जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना वो हमें लोअर कास्ट का मानते हैं और खुद को अपर कास्ट का मानते हैं और उनका ये मानना है कि अगर कोई लोअर कास्ट वाला उनको टच कर देता है तो वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, मतलब कि वो लोग भी गंदे हो जाएंगे। और इसलिए वो एल्डर उस पैकेट को उसके स्ट्रिंग से पकड़ के ले जाता है और हाथ को एकदम झुक कर दूर से उन्हें थमाता है। और बामा जी जैसे ये चीज सुनती है उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, सैड फील करने लगती है, बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग भी लगता है। और फिर बामा जी ये भी सोचती है कि वो जो वदई है वो ऑलरेडी पहले बनाना लीफ में पैक किया गया है और उसके ऊपर फिर एक और पेपर से पैक किया गया है, तो आखिर कोई ऐसे ही छू देगा तो कैसे वो पॉल्यूटेड हो जाएगा। और इस वक्त उन्हें गुस्से में ये मन कर रहा होता है कि वो खुद जाकर उन वर्थलेस वदई को अपने हाथों से टच करे। और वो ये भी सोचती है कि आखिर क्यों हम जैसे लोगों को उन जैसे लैंडलॉर्ड के लिए इन वदईस को खरीद के लाना पड़ता है मार्केट से, आखिर क्यों हमारे एल्डर्स जाते हैं मार्केट में और इन जैसे लैंडलॉर्ड के लिए सामान लेके आते हैं और वो भी एकदम बो करके मतलब एकदम झुक करके देते हैं। और ऑन द अदर हैंड ये जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये कितना ज्यादा क्रूएल होते हैं, ये लोग बस बैठ के ठूसते रहते हैं, ये लोग बस बैठ के अपने माउथ के अंदर स्टब्स ठूसते रहते हैं। और ये थॉट उन्हें बहुत ज्यादा इन्फ्रेट कर रहा था, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। और वो कहती है कि हो सकता है इन्होंने 4 पैसा ज्यादा कमाया हो लेकिन क्या इनके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स नहीं है? हम भी ह्यूमन बींग्स है और उन्हें हम लोगों को पूरे ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, हमारे लोगों को इन फेलोज के लिए कभी काम नहीं करना चाहिए। वैसे भी हमें ये फ्री का तो नहीं देते हैं, हम जाते हैं इनके खेतों में काम करते हैं, उसके बदले हमें वेजेस मिलता है, हमें यहीं तक सीमित रहना चाहिए, हमें इनके लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कम्युनिटी के एक एल्डर मार्केट में जाते हैं और इनके लिए वड़ई लेके आते हैं, ऐसा क्यों? और फिर बामा जी बताती है कि उनके जो बड़े भाई थे ना वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और वो बस छुट्टी में उनके घर आए थे और वो पास वाले विलेज के लाइब्रेरी में जाते रहते थे बुक्स को बोरो करने के लिए। और एक दिन वो ऐसे ही लाइब्रेरी से बुक बोरो करके आ रहे होते हैं और वो एक इरिगेशन मतलब सिंचाई वाले एरिया के बगल वाले रोड से चल के आ रहे होते हैं और तभी एक लैंडलॉर्ड उनके पास आता है और उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, क्योंकि उस लैंडलॉर्ड ने उन्हें पहली बार देखा था और वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे और उन्हें मेरे बड़े भाई काफी अनफेमिलियर जैसा लग रहे थे। और फिर मेरे बड़े भाई उन्हें अपना नाम बताते हैं जिसपे इमिडिएटली वो जो लैंडलॉर्ड होता है उनसे पूछता है कि आप किस स्ट्रीट में रहते हैं। और उस लैंडलॉर्ड का ये पूछने का मकसद बस एक ही था, जिससे उसे पता चल जाए कि वो अपर कास्ट का है या फिर लोअर कास्ट का है और अगर वो लोअर कास्ट का होता है तो वो उसे बुरा ट्रीट करेगा। और बामा जी के बड़े भाई बामा जी को ये भी बताते हैं कि क्योंकि हम इस कम्युनिटी में इस अनटचेबल वाले कम्युनिटी में पैदा हुए हैं इसलिए हमें कभी भी ऑनर नहीं मिलेगा, कभी भी डिग्निटी नहीं मिलेगा और ना ही रिस्पेक्ट मिलेगा, हमें इन सब चीजों से दूर रखा जाता है और हमें बस अनटचेबल का दर्जा दिया जाता है बस इसलिए क्योंकि हम लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, अच्छे से पढ़ते हैं तो हम इन सभी इनडिग्निटीज को थ्रो अप कर सकते हैं, हम इन सभी के माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए बामा के बड़े भाई बामा जी को बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ो और जितना सीख सकते हो सीख लो और अगर तुम पढ़ने में अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हारे पास खुद आएंगे और तुमसे बातें करेंगे और तुमसे कुछ सीखना भी चाहेंगे, तो इसलिए वर्क हार्ड करो और बहुत सारी चीजें को सीखो। और ये सारे वर्ड्स जो अनान ने उन्हें कहा मतलब बामा जी को कहा ये उनके अंदर बहुत ही ज्यादा डीप इंप्रेशन छोड़ा। अनान उनके बड़े भाई का नाम है। और फिर उस दिन के बाद से बामा जी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी और फिर बामा जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा, जी जान लगा के पढ़ा और अपने क्लास में फर्स्ट रैंक भी लाई और इसी रीजन के कारण से मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। और इस तरह से ऑथर में ये चीज सिखा के जाती है ना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन से हर चीज पॉसिबल है और चाहे सामने वाला इंसान हमें अभी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हो लेकिन अगर हम खुद के दम पे कुछ बन जाते हैं तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली हमें रिस्पेक्ट देगा और दे या ना दे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, हम खुद में बहुत ही बड़ा फील करेंगे और हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, ना ही लोगों की, ना ही दोस्तों की और ना ही किसी भी चीज की, और हमें किसी के सामने भी झुकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमारे राइटर है जिनका नाम है जैक फिने, फिर हमारी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले है चार्ली जो कि एक प्रोटैगनिस्ट भी है और हमारे पूरे स्टोरी के नरेटर भी है, फिर सेकंड में उनकी वाइफ आती है जिनका नाम है लुइसा और थर्ड में एक साइकैट्रिस्ट जिनका नाम है सैम जो कि चार्ली के फ्रेंड है। ठीक है,
चार्ली के फ्रेंड एक साइकेट्रिस्ट है जिनका नाम है क्या है सैम। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारे जो नरेटर है चार्ली वो बता रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट्स हैं न्यूयॉर्क सेंट्रल के या फिर द न्यूयॉर्क के या फिर न्यू हेवन के या फिर हार्टफोर्ड रेल रोड्स के वो सब स्वेर करके यानी कि कसम खा के बोल सकते हैं कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे बस दो ही लेवल्स हैं। अब यहाँ पे लेवल्स का क्या मतलब हुआ, जैसे बिल्डिंग्स में फ्लोर होती है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उसी तरह से स्टेशन्स पे ना, रेलवे स्टेशन्स में कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पे ट्रेन आके रुकती है। तो वही हमारे नरेटर बता रहे कि सारे प्रेसिडेंट्स कसम खा के बोल सकते हैं कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो ही लेवल्स हैं, पर हमारे जो नरेटर है ना उन्होंने उसी स्टेशन में यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल को भी देखा है। फिर हमारे नरेटर बोलते हैं कि हाँ उन्हें पता है कि जब भी वो लोग दूसरे लोगों को ये बात बोलते हैं कि वो उस स्टेशन के थर्ड लेवल पे भी गए हैं तो सारे लोग उन्हें देखकर उनकी बातों को सुनकर ये सोचते होंगे कि वो पागल हो चुके हैं, पर वो बताते हैं कि नहीं वो पागल नहीं है और उन्होंने इसके लिए एक ऑब्वियस सा स्टेप भी चुना है यानी कि वो साइकेट्रिस्ट के पास भी गए हैं। उनका एक फ्रेंड था जो कि साइकेट्रिस्ट था, वो उनके पास गए हैं और उस फ्रेंड ने उन्हें समझाया है और बताया है कि ये आपका कोई वेकिंग ड्रीम हो सकता है या फिर आप अंदर से हैप्पी फील नहीं कर रहे होंगे इसलिए आपको इस टाइप का इल्यूजन हो रहा है या फिर आप इस टाइप के सोच रहे हैं बातों को। ये सुनते ही चार्ली की जो वाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, शॉक्ड हो जाती है ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि चार्ली जो है वो सैड है, उन्हें मतलब वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न वो खुद भी हो सकती है, शायद वो उन्हें हैप्पी नहीं रख पा रही होगी, ये भी एक रीज़न हो सकता है, ऐसा वो सोचने लगती है। तभी वो जो साइकेट्रिस्ट दोस्त होता है उनका चार्ली का, वो बोलता है कि उनके कहने का मतलब है कि जो आज का मॉडर्न वर्ल्ड है ना वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी और वार से रिलेटेड भरा हुआ है, जिसके कारण कोई भी एक नॉर्मल इंसान अगर अपार्ट मतलब अपने फैमिली के अलावा किसी नॉर्मल चीज़ के बारे में बाहर सोचता भी है तो चारों तरफ उसे बस यही सब चीज़ नज़र आती है, प्यार और इस टाइप का जो चीज़ होता है ना जो कि अंदर से इंसान को हैप्पी रखता है वो आजकल के मॉडर्न ज़माने में बाहर मिलना बहुत ही मतलब ना के बराबर है। ठीक है, पहले टाइम में जैसे लोग फ्रीली एक दूसरे से बात कर लेते थे, मिल लेते थे, साथ में बहुत कुछ मस्ती मजाक करते थे, आजकल के टाइम में सब कोई को क्या है, सब कोई अपने से अपना मतलब रखते हैं। तो वही यहाँ पे साइकेट्रिस्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो रीज़न है जिसकी वजह से ये सैड हो सकते हैं, इन्हें अंदर से वो खुश नहीं होंगे, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है। फिर साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि यही सब रीज़न की वजह से हो सकता है कि ये इस मॉडर्न वर्ल्ड का एस्केप ढूंढ रहे होंगे, यानी कि ये इन सब इनसिक्योरिटी, फियर, वरी ये सब को छोड़कर कुछ मतलब हैप्पी मतलब खुशी पाने के लिए वो एस्केप ढूंढ रहे होंगे, जिसके कारण वो ऐसा इल्यूजन कर रहे होंगे कि उन्होंने थर्ड लेवल देखा है। फिर चार्ली कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो कोई अनहैप्पी वगैरह नहीं है, और अगर वो अनहैप्पी हुए भी यानी कि वो अंदर से नाखुश हुए इसका मतलब ये नहीं है कि वो थर्ड लेवल देख ले किसी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। वो बोल रहे हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अनहैप्पी हो सकते हैं इस मॉडर्न वर्ल्ड में, तो क्या सभी थर्ड लेवल देख पाते हैं उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का। फिर साइकेट्रिस्ट बोलते हैं कि नहीं, पर तुम्हारे रीज़न ऑफ स्केप यही हो सकता है, यानी कि तुम एक्चुअल रियलिटीज़ को भुलाकर अपनी खुशियाँ पाने के लिए तुम ऐसा इमेजिन कर रहे होगे। साइकेट्रिस्ट का ये बात सुनकर जो चार्ली के दूसरे फ्रेंड्स होते हैं वो भी साइकेट्रिस्ट के इस बात पे एग्री करते हैं और वो बोलते हैं चार्ली को कि याद है जो तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो और तुम स्टैम्प कलेक्ट करने टाइम दूसरे दुनिया में ही खो जाते हो, तुम्हें आसपास का कुछ याद नहीं होता और वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हैप्पी टाइम होता है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वो भी तो तुम्हारा टाइम जो होता है वो भी तो तुम्हारे लिए एस्केप ऑफ रियलिटी ही होता है, क्योंकि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है, जब तुम स्टैम्प कलेक्ट करते हो तब तुम बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो। ठीक है, ऐसा वो उसके दूसरे फ्रेंड्स वहाँ पे बोलते हैं। फिर वो बोलता है यानी कि चार्ली बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उनका जो ये हैबिट है ना स्टैम्प कलेक्ट करने वाला ये उनके ग्रैंडफादर से आया हुआ है
और फिर वो बताते हैं कि पहले के टाइम में तो लोग बहुत खुश होते थे, उस टाइम बहुत ही पीस वाला माहौल होता था, बहुत ही अच्छा माहौल होता था, तब भी लोग स्टैम्प क्यों कलेक्ट करते थे, उनके ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, इसलिए उन्हें भी ये जो हैबिट है स्टैम्प कलेक्ट करने वाला उनके ग्रैंडफादर से मिला है और इसके अलावा कोई और बात नहीं है। फिर वो बताते हैं उनके ग्रैंडफादर के पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स था, जितने भी US इशूज हुए थे ना उसका भी सारा ब्लॉक्स का उनके पास स्टैम्प्स था, फर्स्ट डे कवर का भी एंड बहुत टाइप अलग अलग टाइप का स्टैम्प्स था, मुझे भी नहीं पता ये सब क्या होता है बट समझ लो स्टैम्प्स का कुछ कुछ टाइप्स होता है और उनके ग्रैंडफादर के पास ये सभी चीज़ें थी, यानी कि इन सभी चीज़ों का स्टैम्प्स था। फिर वो बताते हैं कि एक प्रेसिडेंट है जिसका नाम है रूज़वेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, तो क्या वो भी स्केप ढूंढ रहे हैं, क्या वो भी रियलिटी से स्केप करना चाहते हैं, क्या वो भी अंदर से खुश नहीं है। फिर हमारे नरेटर बोलते हैं कि एनीवेज अब तुम मेरी बात को सुनो, अब मैं बताता हूँ कि उस दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे एक्चुअली हुआ क्या। वो बताते हैं कि उस रात उन्होंने बहुत देर रात तक काम किया और जब वो काम करके अपने ऑफिस से निकल रहे थे तब वो सोचे कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना पड़ेगा, तो वो सोचते हैं कि बस लेने से अच्छा है कि वो सबवे ले लेते हैं। सबवे क्या होता है, एक अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम समझ लो, तो वो सोचते हैं कि वो सबवे ले लेते हैं कहाँ से, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, उससे वो जल्दी से घर पहुंच जाएंगे और वो वैसा ही करते भी हैं। फिर वो बता रहे कि वो बहुत ही एक ऑर्डिनरी गाय है, ऑर्डिनरी मैन है कि 31 ईयर्स के है, यानी कि 31 साल के है। उस दिन उन्होंने टैन गबार्डियन सूट पहना हुआ था और उन्होंने अपने सर पे एक स्ट्रॉ हैट भी पहना हुआ था कि बहुत ही ज्यादा अच्छे ब्रांड का भी था। फिर वो बताते कि उनके आसपास से बहुत सारे लोग गुजरे, ठीक है, और वो बताते कि उस दिन वो किसी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो बहुत ही नॉर्मल मूड में थे, यानी कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो या फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल मूड में थे और उन्हें घर जल्दी जाना था इसलिए ताकि वो अपनी वाइफ लोइसा से मिल सके। फिर वो बताते कि वो वंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की तरफ जाते हैं, जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाते हैं तब वो सबसे फर्स्ट लेवल पे जाते हैं और फिर वो बताते कि फर्स्ट लेवल पे बहुत ही नॉर्मल ट्रेन आती है जो कि शहर के अंदर चलती है, जो कि हमें 20th सेंचुरी में देखने को मिलता भी है, मतलब आजकल की जो ट्रेन होती है ना वही ट्रेन वहाँ पे भी लगती थी। फिर वो सेकेंड लेवल की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि उन्हें शहर के बाहर जाना था, मतलब उनका घर जो था वो शहर से थोड़ा बाहर में था। फिर वो बताते हैं कि सेकेंड लेवल पे सब अर्बन ट्रेन्स चलती है, ऐसी ट्रेन्स जो कि शहर से बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि तभी वहाँ पे उन्हें एक आर्च्ड डोर दिखता है, ठीक है, आर्च्ड डोरवे, और वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो अचानक से खो से जाते हैं, मतलब वो खो जाते हैं अचानक। फिर वो बताते हैं कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा उनके साथ बहुत बार हुआ है और वो कहते हैं कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम जा चुके हैं पर वो जब भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाते हैं उन्हें हर बार न्यू डोरवेज, न्यू स्टेयर्स और अलग अलग कॉरिडोर्स, ठीक है, नया नया कॉरिडोर्स देखने को मिलता है। फिर वो बता रहे कि एक बार क्या हुआ, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन गए और वहाँ पे एक टनल था जो कि लगभग 1 माइल जितना बड़ा था, 1 माइल कितना होता है 1.6 किलोमीटर के अप्रॉक्स, तो वो उस क्या बोलता हूँ टनल के अंदर घुस जाते हैं और फिर जब वो टनल से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक रूज़वेल्ट होटल के अंदर मतलब पास पहुँच चुके हैं। फिर वो बता रहे कि एक बार वो ऑफिस बिल्डिंग जो कि 46 स्ट्रीट के पास था, वहाँ से 3 ब्लॉक अवे वहाँ पे वो एक बार पहुँच गए थे। फिर वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक ट्री के तरह बड़ा होते जा रहा है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती है, रूट्स होती है, उसी तरह उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जो कॉरिडोर्स और स्टेयर केस है ना वो भी बढ़ते जा रही है, फैलते जा रही है। फिर वो बताते हैं कि उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर एक टनल है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है और वो टनल शायद टाइम स्क्वायर की तरफ जाती है या फिर सेंट्रल पार्क की तरफ जाती है। वो बोलते हैं कि उन्हें पता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ना वो काफ़ी सारे लोगों के लिए एक वे ऑफ स्केप हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, कुछ लोग जो शहर से आते हैं वो नए नए टनल्स और नए नए कॉरिडोर्स में घुस के कुछ नई जगह ही पहुँच जाते हैं और उनके लिए हो सकता है कि वो रियलिटी से स्केप करने का एक एग्जिट हो या फिर एक जगह हो। और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो स्टोरी ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे जो हमारे नरेटर चार्ली है ना वो बताते हैं कि जो पिछले एपिसोड में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि उन्होंने एक आइडिया बोला था कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक ट्री की तरह है जो ब्रांचेस ट्री की ब्रांचेस की तरह अपने आप को भी बड़ा कर रहा है और उसके अंदर की जो टनल्स है ना वो भी फैलते जा रही है।
तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये जो आइडिया था, ये जो उन्होंने सोचा, ये उन्होंने अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर वो वहाँ पे वो इस आइडिया को रखते तो उनका जो दोस्त है साइकेट्रिस्ट वो उन्हें पागल समझता, इसलिए उन्होंने ये आइडिया को नहीं बताया। फिर वो बता रहे हैं कि वो जिस गेट पे घुसे थे, सेकेंड लेवल पे गए थे, उसके बाद उन्हें जो एक अजीब सा गेट मिला था, याद है मैंने तुम्हें बताया था पिछले एपिसोड में, तो वो जैसे उस गेट के अंदर घुसते हैं ना, तो वो बताते हैं कि वो गेट थोड़ा लेफ्ट के तरफ और डाउनवर्ड जा रहा था, मतलब थोड़ा लेफ्ट के तरफ डाउनवर्ड नीचे की ओर। तो वो उस गेट के अंदर घुसे और नीचे चलते जा रहे थे, तभी उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। फिर वो जैसे ही चलते जा रहे थे ना, तो उन्हें रियलाइज होता है कि उनके फुटस्टेप्स के अलावा वहाँ पे किसी और चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब बस उनकी फुटस्टेप्स की ही आवाज़ आ रही है। फिर भी वो चलते जाते हैं और तभी उन्हें अचानक से आवाज़ आती है सामने से, और उन्हें रियलाइज़ होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सामने कोई ओपन स्पेस है और वहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अचानक से उन्हें शार्प लेफ्ट घूमना पड़ता है, मतलब पूरा का पूरा लेफ्ट घूमना पड़ता है, और वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ होती है, वो सीढ़ियाँ से नीचे उतरते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वो वापस से घूम फिर के सेकेंड लेवल पे आ चुके हैं। फिर वो ध्यान देते हैं ना आसपास, तो वो देखते हैं कि नहीं, वो सेकेंड लेवल नहीं था, वो जिस जगह पे पहुंच गए थे वो कोई सेकेंड लेवल वाला प्लेटफॉर्म नहीं था, ना ही फर्स्ट लेवल वाला प्लेटफॉर्म था, वो कुछ नया तरह का प्लेटफॉर्म था। ऐसा उन्हें क्यों लगा? क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के रूम्स काफ़ी छोटे थे, बहुत ही कम टिकट विंडो था, और जो ट्रेन गेट्स थे ना वो भी काफ़ी कम थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल। फिर वो बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन जो बूथ होता है ना स्टेशन पे, वो भी लकड़ी का बना हुआ था, और उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ था उसके पास, मतलब उसने ग्रीन आईसेट्स पहना हुआ था और ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, ब्लैक स्लीव्स मतलब ड्रेस ही समझ लो। फिर वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि वो जो एरिया होता है ना वहाँ पे लाइट सोर्स बहुत ही कम होता है। फिर वो लाइट सोर्स पे ध्यान देते हैं तो वो देखते हैं वो काफी डिम भी होता है, कम भी होता है, और फ्लिकर भी कर रहा होता है, यानी कि बदबूत मतलब उस टाइप से कुछ। फिर वो जब सामने जाके देखते हैं ना, उन्हें रियलाइज होता है कि वो कोई बल्ब नहीं था, वो बल्कि एयर लैम्प था, ठीक है, एयर लैम्प ओपन सोर्स वाला, समझ रहे हो तुम लोग का स्क्रीन पे दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का चीज। फिर हमारे ऑथर बताते हैं कि वो और भी अजीब चीज देखते हैं, जैसे कि ब्रास स्पिंटन्स। इसका क्या मतलब हुआ यार? जिसमें लोग स्प्रिट करते हैं ना, अरे सिंपल जो पान खा के थूकते हैं ना यार, तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है। और फिर वो बताते कि वो देखते एक इंसान को, एक आदमी को, जो कि अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड का वॉच निकालता है जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। और फिर वो बताते कि वो जो आदमी था ना, उसने एक डर्बी हैट पहनी हुई होती है और एक ब्लैक 4 बटन वाला सूट पहना हुआ होता है, जिसकी टाइनी लेपल्स होती है, लेपल्स मतलब जो सूट के आगे जो फोल्ड होता है वो काफी छोटा छोटा होता है, ठीक है। फिर हमारे ऑथर और दिमाग में जोर डालते हैं और वो बताते हैं कि वहाँ पे जो जितने भी लोग थे ना, वो सब ऐसे ड्रेस्ड अप थे जैसे कि लोग 18th-19th century में ड्रेसअप हुआ करते थे। हाँ हाँ, और वो एक और बात बताते हैं कि उस आदमी की बहुत बड़ी मुस्टेज थी, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, मतलब समझ रहे हो ना, बियर्ड, उस टाइम के लोग कैसे बड़ी बड़ी बियर्ड रखते थे, स्टाइलिश बियर्ड, तो उस आदमी की भी वैसी ही दाढ़ियाँ थी। और वो जब आसपास लोगों को देखते हैं तो सारे लोगों की उसी अप्रोक्स वैसे ही दाढ़ियाँ होती है, मतलब बियर्ड्स होती है। और हाँ, एक और बात, उस आदमी की हैंडल बार मुस्टैच थी, मतलब समझ रहे हो ना, हैंडल बार तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप की मूछ है। अब वो बताते कि वो एक वोमेन को देखते हैं, ठीक है, जो कि ट्रेन से निकलती है, और वो जो वोमेन थी ना वो भी बहुत अलग टाइप से ड्रेस्ड अप थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो जो वोमेन थी उन्होंने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहना हुआ था, बेसिकली समझ लो कि बहुत टाइट टाइप का स्लीव्स था, ठीक है, मतलब पैंट, यार पैंट्स में। और उन्होंने जो जूता पहना हुआ था ना वो हाईली बटन्ड था, तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो फिर बार बार मत पूछना कि इसका मतलब क्या हुआ, स्क्रीन पे भी थोड़ा ध्यान से फोकस करो। फिर वो बताते हैं कि उनका ध्यान फिर जाता है उस ट्रेन पे, जो कि अलग टाइप से लग रहा था, ऑब्वियसली अलग ही लगेगा ना, वहाँ पे हर चीज अलग लग रही थी। तो फिर वो जब उस ट्रेन को ध्यान से देखते हैं ना, उसमें लिखा हुआ था कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, जो कि एक कंपनी का नाम है उस टाइम जो मतलब वो जो ट्रेन बनाया था उस कंपनी का, ठीक है। फिर वो बताते कि वो ट्रेन पुराने जमाने टाइप का था, फनल शेप्ड स्टैक था उसका, फनल शेप्ड स्टैक का मतलब हो गया फनल टाइप की जो चिमनी होती है ट्रेन में, उस टाइप का था, यानी कि पुराने जमाने टाइप। अभी स्टोरी बेसिकली बाकी है, आगे बहुत कुछ समझाना है, पर तुम लोग बताओ कि तुम लोग का स्टोरी क्या लग रहा है, किस लाइन पे जा रहा है? मुझे तो लग रहा है थोड़ा बहुत टाइम ट्रैवल वगैरह कुछ तो है यार, अब तुम लोग सोचो। अब हमारे नरेटर क्या करते हैं ना, वो जाते हैं कहाँ जाते हैं, एक न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं, ठीक है, न्यूज़ बॉय के पास जाते हैं, और वो न्यूज़ पढ़ते हैं, मतलब न्यूज़ देखना चाहते थे कि वो मतलब कहाँ पे हैं। फिर वो देखते हैं ना कि उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड। फिर जब उन्हें थोड़ा बहुत याद आता है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये जो न्यूज़पेपर था ये तो बहुत 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 सालों पहले ही बैन हो चुका है, मतलब बंद हो चुका है बनना, अब इस टाइप का न्यूज़पेपर नहीं बनते हैं। फिर वो उसके अंदर जो सबसे आगे में एक स्टोरी था, मतलब एक न्यूज़ जो था वो पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ था प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में। फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि उस न्यूज़पेपर के ऊपर जो डेट लिखा हुआ था ना वो था जून 11, 1894।
फिर वो समझ जाते हैं कि वो पास्ट में आ चुके हैं। ही बहुत मजेदार है यार, आगे क्या होगा। फिर हमारे नरेटर क्या करते हैं, वो टिकट विंडो के पास जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि वो यहाँ से कहीं के भी टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं कि वो टिकट विंडो के पास जा रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ से कहीं की भी टिकट ले सकते हैं सस्ते में, और वो कहीं पे भी न्यूयॉर्क पे ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि वो पास्ट में आ चुके हैं ना। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि वो दो टिकट ले लेते हैं, और वो दो टिकट के क्या करेंगे, वो और उनकी वाइफ, वो सोचते हैं कि वो अपनी वाइफ को भी यहाँ पे लेके आएंगे और वो पूरा न्यूयॉर्क घूमेंगे। यानी उन्हें टाइम ट्रैवल करना मजाक लग रहा है, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ओके। फिर हमारे नरेटर बोलते हैं कि वो गैल्सबर्ग आलिनॉइस जाएंगे, ये कोई जगह का नाम होगा, तो वो बोलते हैं वो वहीं पे जाएंगे अपनी वाइफ के साथ। और वो बता रही वो वहाँ पे क्यों जाएंगे, क्योंकि उस जगह पे, वो उस जगह बहुत ज्यादा सुंदर है और उस जगह पे ओल्ड फार्म्स है, ह्यूज लॉन्स है, बड़ी बड़ी गार्डन समझ लो है, बड़े बड़े ट्रीज है जिसकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है, सब चीज बड़ा ही बड़ा है यार यहाँ पे। फिर नरेटर ये भी बोलते हैं कि वो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, वो सड़क के जो किनारे पेड़ लगे हुए होते हैं, वो सड़क के ऊपर एक रूफ टाइप का बना देते हैं, मतलब इतने बड़े बड़े होते हैं कि सड़क पूरा छांव से भर जाता है। समझ रहे हो ना तुम लोग, बातों को समझो यार, फील करो। हाँ, फिर वो बताते हैं कि उस टाइम उस जगह पे जो इवनिंग होती है ना, मतलब शाम जो होती है ना, वो लगता है दोगुना बड़ी जैसी लगती है। अब पता नहीं इसका क्या लॉजिक है, बट वो बड़ी लगती है नरेटर को, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि मेंस जो होते हैं वहाँ के, जो मर्द होते हैं, वो लॉन्स पे आके बैठते हैं, स्मोक करते हैं और उन्हें ये सब चीज़ बहुत पसंद है। फिर वो बताते हैं कि वहाँ की जो वोमेन होती है ना, वो पाम लीव से वेव करती है, फैन चलाती है उन लोगों के लिए। वाओ, मतलब सही है। बेसिकली यहाँ पे नरेटर ये कहना चाहते हैं कि वोमेंस जो होती है ना, वो पाम लीव से फैन बनाती है और वहाँ के जो मेंस होते हैं, मर्द होते हैं, वो स्मोक करते रहते हैं बाहर आके शाम के टाइम में। सही है। और हमारे नरेटर को ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे शाम में फायरफ्लाइज उड़ते रहती है और वो माहौल बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है। फिर अब हमारे नरेटर सोचते हैं कि उनके पास तो बहुत पैसा है, क्योंकि वो पुराने ज़माने में चले गए ना, तो वो तो अब बहुत अमीर आदमी हुए, उनके पास बहुत सारा करेंसी है। तो वो सोचते हैं चलो चल के टिकट दो को ले ही लेते हैं, वो और वाइफ आके वापस घूमेंगे, ठीक है। तो वो जाते हैं टिकट काउंटर में क्या करने, ऑब्वियसली टिकट लेने। तो जो टिकट काउंटर में बैठा हुआ होता है ना, वो इंसान जैसे ही देखता है कि नरेटर पैसा निकाले, वो इंसान नरेटर को बोलता है कि आप मेरे को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि आप मेरे को जो भी करते हैं बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, मैं बेवकूफ़ नहीं बनने वाला। तो तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसा कि टिकट काउंटर में बैठा हुआ इंसान ने ऐसा क्यों बोला। तो उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि नरेटर के हाथ में जो करेंसी होती है ना, वो आज के टाइम की होती है, और जो करेंसी उस टाइम चल रही थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। फिर नरेटर को समझ में आ जाता है और वो तुरंत वहाँ से निकल लेते हैं। वहाँ से क्यों निकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं वो इंसान पुलिस को ना बुला दे, क्योंकि नरेटर के पास अलग टाइप की दिखने वाली करेंसी है। और फिर वो बताते हैं नरेटर कि वो उसी रास्ते से वापस निकल जाते हैं, और अच्छी बात तो ये है कि वो वापस अपने टाइम में पहुँच भी जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि अगले ही दिन वो अपने बैंक में जाते हैं और $300 निकालते हैं, जो उनकी सेविंग्स थी $300 वो निकालते हैं और पुराने टाइप की करेंसीज को खरीद लेते हैं। पर उन्हें थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि उन्हें $300 के बदले में $200 ही पुराने टाइम का मिल पाता है। पर फिर वो बोलते हैं कि उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम की चीज़ बहुत 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 ज़्यादा सस्ती है, तो उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और बल्कि उनका फ़ायदा ही हो जाएगा। और वो एक एग्जांपल भी देते हैं, जैसे पुराने टाइम में जो एग्स के जो पूरे दर्जन होते हैं ना, वो बस 13 सेंट्स में मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता अमाउंट है। फिर नरेटर बताते हैं कि उसके बाद से वो कई बार उस स्टेशन में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में गए और वो कॉरिडोर को ढूंढने का बहुत ट्राई किए, बट उनको वो कॉरिडोर फिर से कभी नहीं मिला। फिर उनकी जो वाइफ होती है ना, लुइसा, वो भी काफी परेशान हो जाती है जब उनके हस्बैंड उनकी वाइफ को भी सेम स्टोरी बताते हैं, क्योंकि लुइसा भी नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड उस थर्ड लेवल को वापस ढूंढे, क्योंकि लुइसा को भी अपने हस्बैंड के इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। पर अब देखो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है। यहाँ पे उनके हस्बैंड जो होते हैं ना, वो रुक जाते हैं, थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं और वापस से अपने स्टैम्प कलेक्टिंग के आदत को शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो वापस स्टैम्प कलेक्शन का आदत जो था उनका, उन्हें उसे शुरू कर देते हैं और वही काम करने लगते हैं। पर अचानक से, बहुत मजा आने वाला है, अभी ध्यान से सुनो, अचानक से एक दिन वो उस थर्ड लेवल को, वो और उनकी वाइफ उस थर्ड लेवल को ढूंढना शुरू कर देती है, क्योंकि उनके पास एक सबूत होता है उस थर्ड लेवल के बारे में। अब वो क्या था, ध्यान से सुनना।
वो जो उनका दोस्त था साइकेटिस्ट था सैम, वो अचानक से गायब हो जाता है, क्योंकि नरेटर बताते हैं कि जो सैम था ना उसे भी गैल्सबर्ग जाने का बहुत मन था और हो सकता है सैम को थर्ड लेवल मिल चुका है और वो वहीं पे पहुंच चुका है। अब वो कोई तुक्का नहीं मार रहे, उनके पास इसका भी प्रूफ है। वो बताते हैं कि वो जब स्टैम्प कलेक्शन वाला हैबिट को वापस शुरू किए थे तो उन्हें अचानक से एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर क्या होता है, देखो जब नया नया स्टैम्प कोई भी मतलब निकलता है ना, मतलब पब्लिश होता है, कोई नया स्टैम्प आया है जैसे मार्केट में, आज कोई नया स्टैम्प आ गया, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं उस स्टैम्प को एक खाली इनवेलप पे लगा देते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं अपने ही एड्रेस पे। अपने ही एड्रेस पे क्यों पोस्ट करते हैं, ताकि उसी दिन का डेट, यानी कि उसी दिन का डेट जो होता है ना, वो उस स्टैम्प पे लग जाए और वो बन जाए, क्या बन जाए, फर्स्ट डे कवर। अब इसका लॉजिक मेरे को भी नहीं समझ में आया, बट ऐसा लोग करते हैं, लोगों की इंटरेस्ट है वहां की तो लोग ऐसा करते हैं। तो नरेटर को एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और जब वो उस फर्स्ट डे कवर पे डेट देखते हैं ना, तो वो डेट था 1894 का, ठीक है, 1894 का कोई डेट था, और उस टाइम किसी ने उनके ग्रैंडफादर को वो फर्स्ट डे स्टैम्प पोस्ट किया था। और तुम लोग को पता है उनके ग्रैंडफादर कहाँ रहते थे, गैल्सबर्ग। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो अब शुरू होती है, जैसे कि दूसरे फर्स्ट डे कवर होते हैं ना, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, ब्लैंक सा पेपर रखा हुआ होता है, बट ऐसा नहीं था। उस फर्स्ट डे कवर में पता है क्या रखा हुआ था, उसके अंदर एक पेपर था जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, ब्लैंक पेपर नहीं था मतलब, और उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, चार्ली, उसके लिए अंदर लिखा हुआ था कि चार्ली मैं सैम हूँ और मैं यहाँ पे 2 वीक से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, और तुम लोग जो तुम और लुइसा क्या बोलता हूँ थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि ये एक सच्ची चीज़ है, यानी कि ये चीज़ सच में एग्जिस्ट करती है और यहाँ पे आना वर्थ इट है, यानी कि तुम जितना मेहनत इसे ढूंढने के लिए कर रहे हो ना, अगर तुम ये मिल जाएगा तो यहाँ आना वर्थ इट हो जाएगा तुम्हारे लिए, मतलब बेकार नहीं जाएगा। और उस लेटर के ऊपर जो एड्रेस जो टाइम था ना, वो 18th July 1894, और उस स्टैम्प के ऊपर प्रेसिडेंट गारफील्ड का फोटो लगा हुआ था। और हाँ, एक चीज और बताना भूल गया, उस लेटर के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि वहाँ के कुछ लोग स्ट्रीट के पास आके हमेशा पियानो बजाते रहते हैं और वो काफी अच्छा जगह है, और उस नोट के नीचे जो साइन था ना, वो सैम का साइन था। फिर हमारे नरेटर और भी कुछ कुछ चीजें पता लगाते, तो उन्हें पता चलता है कि सैम ने कुछ दिन पहले ही $800 वो भी ओल्ड स्टाइल के खरीदे हैं स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर से, ठीक है। अब फिर वो यहाँ पे नरेटर बता रहे कि अब तक तो सैम ने ग्रीन बिजनेस भी शुरू कर दिया होगा, जो कि वो हमेशा से चाहता था। ग्रीन बिजनेस का क्या मतलब हुआ, हो सकता है प्लांटेशन है हे या फिर ग्रेन का, या फिर हे और ग्रेन को बेचकर जो पैसा कमाते हैं ना, मतलब हे और ग्रेन का बिजनेस समझ लो। नरेटर बताते कि उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो वहां पे जाके साइकेट्रिस्ट तो बन नहीं सकते 1894 में, क्योंकि आई डोंट थिंक उस टाइम लोगों को इसकी जरूरत भी होती होगी, और होगी भी तो उतनी लार्ज स्केल में नहीं होती होगी। और यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाता है। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इस चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, ये आपकी क्लास 12 का विस्तृत बुक का चैप्टर नंबर 2 है, और इस चैप्टर के राइटर का नाम है कल्की। तो हमारे राइटर बता रहे हैं कि हमारे जो प्रतिबंधपुरम के जो राजा है ना, वो इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि हमारे जो मेन कैरेक्टर है उनके अलग अलग भयानक भयानक नाम है, जिनका नाम मैं अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं बोलने नहीं पाऊंगा यार, इतना हार्ड हार्ड टर्म। His Highness Jamada General, Killa the Major, Sata Vyagra Samhari, Maharajadhiraja Viswabhuvna Samrat, Sir Jilani Jung Jung Bahadur, MAD, ACTC, और CRCK। लेकिन फिर हमारे राइटर बता रहे हैं कि भले ही उनके इतने सारे नाम थे, पर नॉर्मली लोग उन्हें द टाइगर किंग के नाम से जानते थे। और फिर हमारे राइटर बता रहे हैं कि जब वो बस 10 दिन के थे ना, जब हमारे जो टाइगर किंग थे, हमारे जो महाराजाधिराज थे ना, वो जब 10 दिन के थे, तब उनके घर में एस्ट्रोलॉजर्स लोग आए और ये प्रिडिक्ट किए कि उनकी डेथ हो जाएगी। ये सुनते ही वो 10 दिन का बच्चा, ध्यान से सुन रहे हो ना तुम लोग मेरी बातों को, वो चिल्लाते हुए कहता है, चिल्लाता नहीं है या फिर मतलब जोर से कहता है कि इसमें कोई सेंस और लॉजिक हुई क्या, जो भी इंसान जन्म लेता है उसे मरना तो है ही, उस तरह से मैं भी मरूंगा ही, तो आपके बात पे लॉजिक तभी होगा ना जब आप मुझे बता सके कि मैं किस तरह से मरूंगा। ये देख के जो 10 दिन का बच्चा बोल रहा था ना, वहाँ पे जितने भी लोग होते वो सभी शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पे जो चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो बोलता है कि क्योंकि आपका बर्थ जो है ना वो बुल के आर में हुआ है और बुल टाइगर का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, तो आपका जो डेथ होगा ना वो टाइगर के वजह से ही होगा, यानी टाइगर आपकी जान लेगा। ये सुन के वो छोटा बच्चा बोलता है, यानी कि वो 10 दिन का बच्चा बोलता है कि लेट टाइगर बी अवेयर, यानी कि अब टाइगर अपनी
सावधान रहो बेसिकली, क्योंकि तुम्हारा पप्पा आ चुका है। फिर हमारे ऑथर बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट हुआ था ना इनके बर्थ के टाइम में, ये जो एस्ट्रोलॉजर आए थे और ये जो 10 दिन का बच्चा बोल रहा था, ये बस एक र्यूमर है, ये बस एक अफवाह है, इसका कोई सियोरिटी नहीं है। लेकिन ये अफवाह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैली हुई थी। और यहाँ पे ऑथर ये भी बता रहे हैं कि जैसे हम स्टोरी को आगे पढ़ेंगे ना, तो हमें ये यकीन होने लगेगा कि ये जो अफवाह है ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो है। और ऑथर ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे हमारे जो टाइगर किंग थे वो बड़े हो रहे थे ना, वो बस इंग्लिश काउ का दूध पीते थे, इंग्लिश मूवी देखते थे, इंग्लिश टीचर से पढ़ते थे, यानी कि इंग्लिश मैन से पढ़ते थे, और उनकी जो नैनी थी ना, हालांकि वो बच्चे ही थे ना उस टाइम, तो उनकी जो नैनी होगी उनका टेकिंग केयर के लिए, तो फिर वो भी इंग्लिश नैनी थी, मतलब समझ रहे हो, उन्हें इंग्लिश से बहुत ज्यादा प्यार था आई थिंक। और चलो देखते हैं फ्यूचर में वो बड़े होकर इंग्लिश शादी भी, अब मतलब समझ रहे हो ना मेरी बातों को। देखो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो स्टोरी जिस टाइम पे लिखी गई है ना, जिस टाइम पे ये हमारे जो टाइगर किंग थे, उस टाइम में इंग्लिश का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, यानी कि ब्रिटिशर्स का इंडिया पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इसलिए बस टाइगर किंग ही नहीं बल्कि दूसरे जो प्रिंस भी थे ना उस टाइम पे, वो लोग भी यही सब करते थे, यानी कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा सुपीरियर मानते थे। हमारे जो इंडियन किंग्स थे ना, उनके लिए भी इंग्लिश मेंस जो थे उस टाइम, जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोग काफी ज्यादा सुपीरियर थे। जैसे अभी के टाइम में नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं ना, वैसे उस टाइम इंग्लिश ज्यादा ट्रेंड चल रहा था। मैं आगे ये बताया जा रहा है कि जब हमारे महाराजा यानी कि हमारे जो टाइगर किंग थे ना, वो जैसे 20 साल के हो जाते हैं ना, तब उन्हें वहां प्रतिबंधपुरम का राजा बना दिया गया था, समझ रहे हो ना तुम लोग मेरी बातों को, वहां का राजा घोषित कर दिया गया था। बस 20 साल में राजपाट सब कुछ संभालने के लिए दे दिया गया था। और उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन की ना, वो सभी लोगों को याद आने लगती है। महाराज को भी ये बात काफी याद आने लगती है और वो सोचते हैं अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ टाइगर को मार देंगे, यानी कि एक टाइगर को मार देंगे, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन तो होना नहीं चाहिए। फिर वो एक टाइगर को मार देते हैं, उसके बाद स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर के पास उस टाइगर की बॉडी को भेज देते हैं। तब वो स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर बोलता है उन्हें कि अब योर मैजेस्टी आप आराम से 99 टाइगर्स को मार देंगे, पर आपको जो खतरा है ना वो आपके 100 टाइगर से है। फिर हमारे महाराजा बोलते हैं कि अगर मैं 100 टाइगर को भी मार दूं तो, तब वो स्ट्रेट एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर आप ऐसा कर देते हैं ना, तब मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की किताबें को जला दूंगा और अपनी टफ को भी काट लूंगा। टफ उनका बाल जो होता है ना, एस्ट्रोलॉजर के बाल होते हैं, जो छोटी सी चोटी होती है, वो बोलते हैं कि वो उसे काट लेंगे और वो एक एजेंट बन जाएंगे, इंश्योरेंस एजेंट। और इसके बाद हमारे जो महाराज होते हैं ना, वो पूरे किंगडम में टाइगर हंटिंग को बैन कर देते हैं और वो बोलते हैं कि उनके अलावा इस किंगडम में कोई भी और टाइगर को नहीं मारेगा, और अगर कोई ऐसा दुस्साहस करता है, यानी कि कोई इंसान ऐसा हरकत करता है, तो वो उसके सारी जमीन को, प्रॉपर्टी को अपना बना लेंगे, हड़प लेंगे, यानी कि उनका हो जाएगा, किंगडम का हो जाएगा, महाराज का हो जाएगा। मतलब मारना तो छोड़ो यार, अगर किसी ने एक टाइगर के ऊपर पत्थर भी फेंक दिया ना, तब भी उसका जमीन गया, पूरा गया, बाय बाय टाटा, खत्म खत्म। साथ ही में महाराज ये भी बोलते हैं कि वो अपने स्टेट की कोई भी प्रॉब्लम को तभी ध्यान देंगे जब वो अपने 100 टाइगर को मार देंगे, उससे पहले वो अपने स्टेट की किसी भी प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देने वाले हैं। और इसके बाद हमारे महाराज जो होते हैं ना, वो निकल जाते हैं अपने टाइगर हंट के लिए और वो कई सारे टाइगर को मारते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार तो उनका निशाना मिस हो जाता है, यानी कि उनका बुलेट जो होता है ना, वो टाइगर को नहीं लगता है, पर वो अपने हाथों से टाइगर को खचाक मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, पूरा खत्म, वो भी बेयर हैंडेड, व्हाटएवर। तो ब्रो देखो, अभी तक पार्टी खत्म, चैप्टर खत्म नहीं हुई है ब्रो, अभी तक चैप्टर खत्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत मस्त इंसिडेंट बाकी है। तो देखो इंसिडेंट ये होता है ना कि एक बहुत ही हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, क्या जगह का नाम क्या था, प्रतिबंधपुरम में आता है, ठीक है, और फिर वो कहता है कि उसे भी टाइगर को मारना है, क्योंकि उनका शौक था उन्हें उसे टाइगर को मार के और मरा हुआ लाश के साथ फोटो खिंचाने में बहुत मजा आता था, तो वो वही करने आता है, पर महाराज उसे साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत ही बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर था ना, तो उसे महाराज डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश का राज चल रहा था, और अगर वो ब्रिटिश ऑफिसर को डायरेक्ट मना कर देंगे तो इससे उनको अपना राजपाट से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो महाराज बोलते हैं कि आप कोई भी जानवर को मार सकते हैं, आप जिसका हंट ऑर्गेनाइज करवाना है आप करवा लीजिए, लेकिन टाइगर को छोड़ के। पर ब्रिटिश ऑफिसर नहीं मानता है, वो अपना सेक्रेटरी को महाराजा का किंगडम भेजता है, और उसका सेक्रेटरी महाराजा का किंगडम में आके बोलता है कि सर आप एक काम कीजिए, आप ही टाइगर को मार लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइगर को मार लीजिए, बस हमारे जो ब्रिटिश ऑफिसर है ना, उन्हें उसके मरे हुए टाइगर के साथ एक फोटो दिलवा दीजिएगा, ठीक है। तो पर महाराजा नहीं मानते इस बात पे भी, ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि वो उसे परमिशन दे दे, क्योंकि अगर वो उस ब्रिटिश ऑफिसर को परमिशन दे देते तो और भी बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर उनके किंगडम पे आते और मांग करने लगते कि हमें भी टाइगर को मारना है,
है। लेकिन हमारे महाराज जो होते हैं वो डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते थे कि वो अपना राजपाट तो खोने वाले नहीं थे, खोना नहीं चाहते थे बस टाइगर के वजह से। तो वो अपने दीवान के साथ काफी देर बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं ना कि वो एक बहुत बड़े ब्रिटिश ज्वेलर की कंपनी जो कि कोलकाता में है वहां से 50 डायमंड के सेट्स को मंगाएंगे, ठीक है, डायमंड रिंग्स को मंगाएंगे। और वो क्या करते हैं, वो सारे डायमंड रिंग्स को भेज देते हैं किसके यहाँ, हमारी ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के यहाँ। अब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो उसकी वाइफ है, उनकी वाइफ है, वो 2-3 रिंग उठा लेगी, रख लेगी, यूज कर लेगी, पर ऐसा नहीं होता है। वो पूरा का पूरा 50 के 50 रख लेती है और बदले में बस एक मैसेज भेज देती है जिसमें लिखा हुआ होता है थैंक यू। और उसके बाद महाराज के पास वो ब्रिटिश जो कंपनी होती है ना, ब्रिटिश ज्वेलरी वाली कंपनी, वो 3 लाख का बिल भेज देती है। अब तुम सोच रहे हो कि बस 3 लाख में 50 सेट ऑफ डायमंड रिंग, ये तो काफी सस्ता है ना भाई। ये स्टोरी कब का है तब तो देख लो, ये स्टोरी कब की है यार। मेरे पापा जब छोटे थे वो बोलते थे वो 1 रुपया बचाने के लिए नदी पार करके तैर के जाते थे यार स्कूल। तब के जमाने में तुम लोग 3 लाख का बात कर रहे हो यार, हद मजाक कर देते हो यार तुम लोग मेरे साथ। अभी मैं पापा को बोल के आऊंगा कि पापा उस टाइम 3 लाख का क्या वैल्यू था, तो हमको मतलब जमीन पर गाड़ देंगे यार, समझते नहीं हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टोरी को एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, मतलब कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इस पार्ट से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर किसी भी इंसान को मनाना है ना तो उसकी वाइफ को पहले मना लो, काम खत्म। तुम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो आगे क्या हुआ होगा, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर होता है ना वो टाइगर हंटिंग की मांग करना बिल्कुल बंद कर देता है, खत्म। अलग बात है महाराज को 3 लाख का बिल पे करना पड़ता है, बट फिर भी वो उस टाइम खुश रहते हैं कि एटलीस्ट उनका जान तो बचा है ना यार, वो टाइगर को मार के अपना जान बचा लेंगे ना, या फिर एस्ट्रोलॉजर को गलत साबित कर देंगे, व्हाटएवर, जो भी उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, आगे एक और प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये होती है कि उनके किंगडम से जितने भी टाइगर होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उनके किंगडम से टाइगर। तो वो क्या करते हैं ना, वो अपने दीवान को बुलाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज आप एक स्टैटिस्टिक ड्रॉ कीजिए और मुझे बताइए कि किस किंगडम में कितने टाइगर हैं, और जिस किंगडम में ज्यादा टाइगर है ना आप ये भी पता लगाइए कि उस किंगडम में कोई ऐसी प्रिंसेस है क्या जिससे वो शादी कर सके। समझ रहे हो तुम लोग, समझ रहे हो, मतलब बहुत समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हमारे महाराज किस किस लेवल तक सोच सकते हैं। और फिर महाराज के कहने पे वो जो दीवान होता है ना वो उनके लिए एक परफेक्ट किंगडम ढूंढते हैं जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी थी। और उसके बाद हमारे महाराज जो होते हैं ना उस किंगडम की एक रॉयल प्रिंसेस के साथ शादी कर लेते हैं, मतलब कि रॉयल फैमिली की कोई बेटी। और उसके बाद हमारे जो महाराज थे ना वो जब भी अपने फादर इन लॉ, अगर हिंदी में बोले तो अपने ससुर के यहाँ जब भी जाते थे तो वहाँ पे जाने के बाद 5-6 टाइगर को नॉर्मली मार के ही आते थे। और ऐसे करते करते उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया, और उन्होंने जितने भी टाइगर्स को मारा था ना उस सारे टाइगर्स के स्किन को अपने प्रतिबंधपुरम के जो मेन हॉल था ना वहाँ पे लगा देते थे, पैलेस के मेन हॉल में। मतलब समझ रहे हो, टाइगर को मार के एकदम लास्ट को उसको एकदम प्रतिबंधपुरम के एकदम पैलेस के हॉल में एकदम बीच में चिपका देते थे और उसमें नंबर प्लेटिंग कर देते थे 1, 2, 3, 4, और ऐसे करते करते 99 टाइगर्स को मार दिए। और जो हमारे महाराज होते हैं ना उनकी एक्साइटमेंट एकदम बढ़ गई थी क्योंकि उन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया था। अब उन्हें क्या करना था, एक ही टाइगर को मारना था। लेकिन महाराज को वो बात याद रहती है कि जो लास्ट टाइगर है ना उसे थोड़े संभल के मारने क्योंकि वो टाइगर उनके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन महाराज पूरे ढूंढे, हर जगह ढूंढे, पर उन्हें लास्ट टाइगर नहीं मिला, एक टाइगर उन्हें नहीं मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि वो उनके जो फादर इन लॉ थे यानी कि जो ससुर जी का किंगडम था ना वहाँ पे भी सारे टाइगर खत्म हो गए, उनके किंगडम में भी टाइगर नहीं बचे। अब वो चारों तरफ टाइगर को ढूंढ रहे हैं, 100 टाइगर वो कहाँ से मारेंगे। लास्ट टाइगर को ढूंढना काफी इम्पॉसिबल सा काम लग रहा था, वो चाहते थे कि वो जल्दी से लास्ट टाइगर को मार के टाइगर हंटिंग को भी छोड़ दें। लेकिन ठीक इसके बाद एक बहुत ही गुड न्यूज आता है कि उनके पास ही गाँव में, उनके किंगडम के पास ही में एक गाँव था, वहाँ से शिप फ्रिक्वेंटली डिसअपीयर हो रही थी। तो उन्हें लगता है कि शिप के डिसअपीयर होने के पीछे टाइगर का ही हाथ है। तो हमारे जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे ना वो काफी खुश हो जाते हैं और वो उस विलेज के सभी लोगों के लिए वहां पे 3 साल का टैक्स एकदम माफ कर देते हैं 100%। अब कोई टैक्स किसी को नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद वो कई टाइम तक उस विलेज में रहते हैं पर उन्हें कोई भी टाइगर नहीं मिलता है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा एंग्री होने लगते हैं। इस टाइम पे काफी सारे ऑफिसर्स भी अपनी जॉब खोने लगते हैं। अब तुम लोग गेस कर ही सकते हो कि ऑफिसर के जॉब खोने का रीजन क्या होगा। ऑब्वियसली महाराज बहुत ज्यादा गुस्सा करते होंगे और ऑफिसर्स को फायर कर देते होंगे जॉब से। साथ ही में वो दीवान को ऑर्डर देते हैं कि इस विलेज के टैक्स को डबल कर दो। और ये सुन के दीवान भी मतलब थोड़ा शॉक वॉक हो जाता है, पर वो जानता था कि अगर वो महाराज की बात नहीं मानेगा तो उसे भी अपनी जॉब से, समझ रहे हो ना, निकाल दिया जाएगा। उसके बाद जब दीवान अपने घर जा रहे होते तब वो सोच रहे होते कि अगर महाराज को उनका 100वां टाइगर जल्दी ही नहीं मिला तो इसके बहुत सारे खराब कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो कि उनके किंगडम में और उनके लोगों को सहनी पड़ सकती है। इसलिए वो पीपल्स पार्क जो कि मद्रास में है वहां से एक टाइगर को मतलब बुलाते हैं, मंगवाते हैं। और जहाँ पे वो महाराज हंटिंग करने गए होते हैं ना वहाँ पे वो उस टाइगर को छोड़ देते हैं।
और इसके बाद वो जो बूढ़ा टाइगर था ना, वो जो मद्रास से मंगाए थे, वो टाइगर काफी ज्यादा बूढ़ा था। वो टाइगर क्या होता है, वो महाराज के सामने आ जाता है, तो महाराज जी क्या करते हैं, गोली निकालते हैं, बंदूक निकालते हैं, शूट कर देते हैं, और वो खुश हो जाते हैं कि टाइगर मर गया, क्योंकि वो टाइगर वहां पे गिर जाता है। और वहां से चले जाते हैं और अपने जो सैनिक लोग होते हैं उसे बोलते हैं कि जाओ इसे लेके मेरे पैलेस में जाके लगा देना। जब सैनिक लोग जाता है वहां पे, देखता है वो टाइगर पे तो बंदूक की गोली लगी नहीं है। वो टाइगर पता है किस लिए गिर गया, क्योंकि वो बूढ़ा था बेचारा, गन का आवाज सुन के सदमा में पहुंच गया, और सदमा में पहुंच के गिर गया। तो जो महाराज के जो सैनिक होते हैं, या फिर हंटर भी कह सकते हो, हंटर ही होंगे बेसिकली, तो वो हंटर लोग क्या करते हैं ना, वो टाइगर को मार देते हैं अपने हाथों से। और इसके बाद हमारे जो महाराज होते हैं वो अपना गाड़ी में आराम से बैठते हैं और निकल जाते हैं अपना किंगडम। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हंटर्स ने क्यों नहीं जाके महाराज को बता दिया कि उनका गोली उसे कनेक्ट नहीं हुआ है। वो लोग इसलिए नहीं बताया ना, क्योंकि अगर वो ऐसे जाके बताते तो हो सकता है महाराज उस पर गुस्सा हो जाते, हो सकता है ये महाराज के लिए डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो जाती कि उनका गोली कैसे मिस हो गया, ऐसा कुछ वो लोग सोचे, और इसलिए उन्होंने अपने हाथों से ही उस टाइगर को मार दिया, हाथों से या गन से जो भी है। महाराज वहां से जा चुके थे ऑलरेडी। और उसके बाद जहां पे वो 100 टाइगर को दफनाया जाता है ना, वहां पे एक बड़ा सा टॉम्ब भी बनाया जाता है और बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन किया जाता है कि महाराज ने 100 टाइगर को मार दिया। और ये सब होने के कुछ दिन बाद उनके बेटे का 3rd बर्थडे आने वाला होता है, और क्योंकि वो कुछ टाइम से काफी बिजी थे टाइगर हंटिंग में, और वो अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पाए थे, मतलब अपने बेटे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे प्रतिबंधपुरम का एकदम सबसे बड़ा वाला शॉपिंग मॉल, और वो फिर सोचते हैं कि वो अपने बेटे के लिए एक टॉय ले लेते हैं। वहां पे उन्हें एक वुडन टाइगर दिखता है, और क्योंकि उन्हें टाइगर को मारना बहुत ज्यादा पसंद था, तो उन्हें वो वुडन टाइगर पसंद आ जाता है, और वो वहां से वो टाइगर टॉय को खरीद लेते हैं। लेकिन वो जो वुडन टाइगर होता है ना, वो अच्छे से नहीं बनाया हुआ होता है, उसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया हुआ होता है। तो एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं, तब उन्हें लग जाती है, थोड़ी जगह गड़ जाती है, क्योंकि उस वुडन टाइगर का जो सरफेस था ना, वो काफी ज्यादा रफ था, और उसमें से काफी ज्यादा वुडन सिलीवर्स का मतलब समझ लो वुडन पीसेस जो होती है ना, पॉइंटेड वो निकली हुई थी, जो कि महाराज को गड़ जाती है, वो भी उनके राइट फिंगर में। और वो जो राइट फिंगर में गड़ने के कारण अगले दिन से ना उनके राइट फिंगर में इन्फेक्शन हो जाता है, और धीरे धीरे बस राइट फिंगर नहीं बल्कि उनके पूरे राइट आर्म्स में वो इन्फेक्शन फैल जाता है। और उसके बाद मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है, जो कि काफी देर डिस्कशन करने के बाद महाराज का ऑपरेशन करते हैं, जो कि सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी महाराज का डेथ हो जाता है। सक्सेसफुल होने के बावजूद महाराज मर जाते हैं, मतलब कि जब डॉक्टर बाहर निकलते हैं ना, तो वो बोलती है द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द महाराज इज डेड। और इस तरह से वो बात सच हो जाती है जो कि एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि 100 टाइगर की वजह से महाराज की डेथ होगी, और वैसी ही हुई। शुरू करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हमारे विस्तार बुक के चैप्टर 4 को, जिसका नाम है द एनिमी, और इसे लिखा है स्पर्स सिटेनस्ट्राइकर बक ने। तो ये स्टोरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जब जापान और अमेरिका एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, और इसी टाइम पे एक जापानीज डॉक्टर के घर के सामने उन्हें एक बहुत ही खराब हालत में, बुरे हालत में, चोट लगे हुए हालत में एक अमेरिकन प्रिजनर मिलता है। अब यहाँ पे डॉक्टर के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो उसे पुलिस को सौंप दे ताकि वो मर जाए, जो कि एक जापानी सिटीजन करता है, या फिर उनके पास एक और ऑप्शन था कि वो उस अमेरिकन प्रिजनर का इलाज करे, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे और ये उनकी ड्यूटी थी। तो हमें यही सब कुछ इस चैप्टर में जानना है। मैंने अभी आपको एक बहुत ही छोटा सा समरी दिया है, अब मैं आगे बताता हूँ कि उस डॉक्टर ने उस प्रिजनर के साथ क्या किया, सब कुछ जान जाएंगे हम स्टोरी में। तो चलो स्टोरी को अच्छे से डिटेल में शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में डॉक्टर सदाओ के बारे में बताया गया है, जिनका जो घर था ना वो जापान के कोस्ट के पास था, कोस्ट यानी कि समुद्र के पास, ओके। और उनका घर स्क्वायर शेप का था थोड़ा, और उनका जो घर था वो स्टोन सबके ऊपर था। ऐसा क्यों? क्योंकि जापानीज कोस्ट के पास था, तो ऑब्वियसली वहाँ ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका घर डूब जाए या फिर ऐसा कुछ हो, तो ऑब्वियसली उन्हें स्टोन के ऊपर अपना घर बनाना पड़ा। और उसी जगह पे काफी सारे टिल्टेड पाइंस की ट्री भी थी, जो कि झुकी हुई थी और घुमावदार थी, और उस पे डॉक्टर सदाओ बचपन में चढ़ा करते थे, वो भी बेयर फुटेड, यानी कि बिना चप्पल जूते के। फिर डॉक्टर सदाओ बता रहे कि उनका बचपन वहीं पे बीता है, और उनके जो पापा थे ना, वो डॉक्टर सदाओ को अलग अलग आइलैंड्स पे घुमाने ले जाया करते थे। और डॉक्टर सदाओ के जो पापा थे ना, वो हमेशा डॉक्टर सदाओ से बोला करते थे कि ये जो आइलैंड्स है ना, ये जापान के स्टेपिंग स्टोन्स है, जो कि जापान को आगे ले जाएगा। तो जब डॉक्टर सदाओ फिर अपने पापा से पूछते थे कि हमें ये कहाँ ले जाएगा, हमें कहाँ जाना है, तो डॉक्टर सदाओ के पापा फिर बोलते थे कि ये मुझे भी नहीं पता, हु नोज, क्योंकि हमारे फ्यूचर को कोई लिमिट नहीं कर सकता, और ये हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपने फ्यूचर को कैसा बनाना है। और डॉक्टर सदाओ के मन में ये वाली बात अच्छे से छप गई थी जो उनके पापा ने उन्हें बोला। डॉक्टर सदाओ के पापा उनसे कभी हंसी मजाक नहीं करते थे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करते थे, वो उनके लिए बहुत ज्यादा पेन सहे हैं, और डॉक्टर सदाओ के पापा के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर सदाओ को 22 के एज में अमेरिका भेज दिया था,
ताकि वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में अच्छे से सीख सके, और वो 30 की एज में वापस अमेरिका से लौट भी आए थे। और डॉक्टर सदाओ के जो पापा थे ना, वो अपने मरने से पहले डॉक्टर सदाओ को एक बहुत ही अच्छा और बड़ा साइंटिस्ट और सर्जन बनते हुए देखे थे। और डॉक्टर सदाओ इतना फेमस इसलिए हो गए थे क्योंकि वो एक ऐसे मेडिसिन के बारे में स्टडी कर रहे थे जो एक वुंड को, यानी कि चोट जो लग जाता है ना इंसान को, या फिर घाव हो जाता है या फिर कट जाता है कहीं पे, उससे वो मेडिसिन इजिली ठीक कर दे। तो देखो, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में क्या बताया था कि उस टाइम जब ये स्टोरी चल रहा है ना, उस टाइम वर्ल्ड वार टू चल रहा है। तो उस टाइम जो सोल्जर थे वो अलग अलग कंट्री में गए हुए थे और उनके साथ सारे डॉक्टर्स भी गए हुए थे ताकि अगर सोल्जर्स को चोट लग जाए तो उन्हें वो ठीक कर सके। पर डॉक्टर सदाओ को वहां इसलिए नहीं भेजा गया था क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च कर रहे थे इस वुंड के मेडिसिन के बारे में, इसलिए उन्हें जापान में ही छोड़ दिया गया था ताकि वो अपने स्टडी को पूरा कर पाए। देखो, ये तो रहा एक रीजन, और एक और रीजन था कि वो जापान में इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां पे जो एक जनरल थे ना, वो काफी ओल्ड हो गए थे और उन्हें कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी। और डॉक्टर सदाओ क्योंकि बहुत ही फेमस सर्जन थे, तो ताकि वो उनकी हेल्प कर सके जब ऑपरेशन पड़ने के टाइम, इसलिए उन्हें वहीं पे छोड़ दिया गया। इन दोनों रीजंस के वजह से डॉक्टर सदाओ को बाहर नहीं भेजा गया। जो हमारी स्टोरी की ऑथर है ना, वो बताती है कि प्रेजेंट टाइम में जब डॉक्टर सदाओ उस कोस्ट के बगल में रह रहे थे, तब वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। अब तुम लोगों को पता है, जब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब रात में कोस्ट के पास क्या होता है तुम्हें पता ही होगा, बहुत तेज विंड ब्लो करता है, कोल्ड विंड, और ब्लैक क्लाउड्स छा जाते हैं। तो वही डॉक्टर सदाओ के घर के पास भी हो रहा था, और डॉक्टर सदाओ ये सब चीज बहुत ही मजे से देख रहे होते हैं। वो देखते हैं कि उनके आसपास जो आइलैंड्स है ना, वो उस फॉग के कारण, उस ब्लैक क्लाउड्स के कारण सब छुप जाते हैं। और फिर डॉक्टर सदाओ एनालिसिस लगाते हैं और पता करते हैं कि वो जो फॉग है ना, वो धीरे धीरे उनके घर की तरफ भी बढ़ रही है और उनका जल्दी ही घर भी उस सभी फॉग से ढक जाएगा। फिर वो ये भी देखते हैं कि धीरे धीरे वो जो उनके घर के आसपास जो पाइन ट्री है ना, वो भी उस फॉग से ढक जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर सदाओ अपने रूम की तरफ जाते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ हाना, जिनका नाम हाना था, वो उनका वहाँ पे वेट कर रही थी दो बच्चों के साथ, और उन्होंने डार्क ब्लू वुलन हरॉयल पहना हुआ था एक किमोनो के ऊपर। अब देखो, ये वहाँ का कोई ड्रेस होता होगा, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखा दूंगा, देख लेना। फिर हाना रूम से बाहर आती है और डॉक्टर सदाओ के हाथ में हाथ डाल के खड़ी हो जाती है और एक बहुत ही प्यारा सा स्माइल देती है। और ट्रस्ट मी, मैं वहाँ पे नहीं था पर मुझे पता है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा प्यारा सा मोमेंट होगा उनके लिए। हाय। अब डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि वो हाना से पहली बार कैसे मिले थे। वो बताते हैं हाना से वो पहली बार अमेरिका में मिले थे जब वो वहाँ पे पढ़ने गए थे। और डॉक्टर सदाओ बताते हैं कि उन्होंने उनसे बहुत जल्दी मतलब प्यार व्यार करके उनके साथ शादी नहीं कर ली थी क्योंकि उन्हें पता था उनके फादर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनकी वाइफ के रूप में ऐसी लड़की को जो प्योर रेस की ना हो। तो फिर उन्होंने टेस्ट किया, चेक किया कि वो जापानीज है, उसके बाद ही उन्होंने उनसे शादी की। डॉक्टर सदाओ ये भी बता रहे कि वो काफी लकी है जो उन्हें हाना एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ वाइफ मिली, क्योंकि अगर वो हाना से नहीं मिलते तो पता नहीं उनके लाइफ में भी क्या चल रहा होता और उनके लाइफ में भी कौन होती। फिर डॉक्टर सदाओ बता रहे कि वो हाना से पहली बार अमेरिकन प्रोफेसर के घर में मिले थे और अमेरिकन प्रोफेसर और उनकी वाइफ जो थी ना, वो काफी काइंड थी क्योंकि वो जो प्रोफेसर थे और उनकी जो वाइफ थी ना, वो लोग हमेशा चाहते थे कि वो फॉरेन कंट्री से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए कुछ करें, उन्हें ट्रेन करें। हालांकि स्टूडेंट काफी बोर हो गए थे उनके घर जा जाके, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उनके घर जाते थे उनके काइंडनेस को देख के। डॉक्टर सदाओ बताते हैं हाना से वो कई बार कहते हैं कि मैं उस दिन, जिस दिन मैं तुमसे मिला उस दिन मैं शायद प्रोफेसर के घर नहीं जाने वाला था क्योंकि उनकी वाइफ जो है ना, प्रोफेसर की वाइफ, वो काफी ज्यादा वॉल्यूएबल है और उनका जो रूम है ना वो काफी छोटा सा है। लेकिन फिर भी पता नहीं उस दिन डॉक्टर सदाओ को क्या हुआ और वो प्रोफेसर के घर जाते हैं और वहाँ पे वो पहली बार हाना से मिलते हैं। और हाना एक नई स्टूडेंट थी और वो वहाँ पे सोचते हैं कि अगर हाना जापानीज होगी तभी वो उनसे लव करेंगे, प्यार करेंगे। यार लेकिन अब तुम लोग बताओ कि कास्ट रीजन सब देख के प्यार करना, ये क्या सही है? छोड़ो, वापस स्टोरी पे आते हैं। तो अब यहाँ पे बता रहे डॉक्टर सदाओ की प्रेजेंट में जब हाना ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, ये टाइम उन्हें बहुत ही ज्यादा प्लेजर दे रहा है। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ के मैरिज के काफी ज्यादा टाइम हो चुके हैं और उनके दो बच्चे भी हैं, फिर भी उन्हें ऐसा करके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होता था। फिर हमारी स्टोरी की ऑथर बता रही है कि डॉक्टर सदाओ और हाना ने ऐसे ही अमेरिका में जाके शादी नहीं कर लिया था, उन्होंने पहले वहां पे अपना पढ़ाई कंप्लीट किया था और फिर वो वापस जापान आए थे। और उसके बाद जापान आने के बाद हाना उनके फादर से मिली थी, यानी कि डॉक्टर सदाओ के फादर से, उसके बाद उन्होंने पुराने जापानी स्टाइल में ही शादी किया था और सब कुछ ट्रेडिशन के हिसाब से ही हुआ था। और देखो,
देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मोमेंट बना जा रहा है। यहाँ पे हाना क्या करती है, डॉक्टर सदाओ के हैंड से अपना फेस को टच करती है। लेकिन 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 ये जो रोमांटिक टाइम था ये ज्यादा देर के लिए नहीं था, क्योंकि अचानक उन्हें वहाँ फॉग में कुछ अजीब सा दिखता है। फिर वो लोग देखते हैं कि उस फॉग से एक इंसान निकलते हुए आ रहा है, जिसे समुद्र ने मानो फेंक दिया हो, यानी कि वो समुद्र से बह के वहां तक पहुंचा था। और वो जो इंसान था ना, वो क्लियरली नहीं दिख रहा था, उसका बस आउटलाइन दिख रहा था। उस इंसान ने अपना एक हाथ अपने सिर के ऊपर रखा था और बहुत ही लड़खड़ाते हुए चलते हुए आगे बढ़ रहा था। वो इंसान अचानक से मिस्ट में खो जाता है। तभी डॉक्टर सदाओ की जो वाइफ होती है, हाना जो होती है ना, वो डॉक्टर सदाओ से कहती है, हु इज दैट। वो डॉक्टर सदाओ का हाथ छोड़ती है रेलिंग से उतर के, फिर रेलिंग के नीचे वाले साइड से जो बालकनी होता है ना उनका, वहां से वो देखती है। तो वो इंसान उन्हें फिर से दिखता है, जो कि क्राउल कर रहा था, यानी कि अब वो खड़ा ठीक से नहीं हो पा रहा था और अपने हाथों के बदौलत आगे बढ़ते हुए आ रहा था। लेकिन वो इंसान हाथों और घुटनों की मदद से कितना ही आगे आ पाता, वो अचानक से वो इंसान वहीं पे पूरा तरह से गिर जाता है। डॉक्टर सदाओ को लगता है कि वो कोई मछुआरा होगा जो यहाँ पे बह के आ गया होगा। फिर हाना बताती है कि उनके घर के आसपास मीलों तक, यानी कि एक दो मील तक, कोई मछुआरों का टाउन नहीं है या फिर मछुआरों का कोई टोला वोला नहीं है। और जहाँ पे वो रहती है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा शार्प रॉक्स है, यानी कि तीखे पत्थर है। जैसे ही डॉक्टर सदाओ इंसान के पास पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि उसके आसपास जो सैंड थी ना, वो काफी रेड हो गई थी। तो फिर वो समझ जाते हैं कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा वुंडेड होगा, यानी कि उसे बहुत ज्यादा चोट लग चुका होगा। और ये देखते ही वो तुरंत उस इंसान के एकदम पास करीब पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो इंसान का जो सर था वो नीचे सैंड की तरफ रखा हुआ था, यानी कि पड़ा हुआ था। और उसने एक ओल्ड कैप पहना हुआ था और उसका जो कैप था ना, उसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ था और उसका पूरा ड्रेस भी भींगा हुआ था। और उसका ड्रेस भी जो था ना, वो पूरा फटा पुराना। फिर हाना को रियलाइज हो जाता है कि वो एक व्हाइट मैन है, यानी कि वो एक अमेरिकन है। उस लड़के की एज भी ज्यादा नहीं, वो यंग था, उसके लंबे लंबे बाल थे और वो उसका जो फेस था ना, वो काफी टॉर्चर्ड लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस इंसान को किसी ने बहुत टॉर्चर किया है। उस इंसान के गोल्डन हेयर्स थे और उसकी जो दाढ़ी थी ना, वो काफी अजीब टाइप से हो गई थी, क्योंकि उसने बहुत टाइम से सेव नहीं किया था, रफ टाइप से हो गई थी। और वो इंसान पूरा बेहोश पड़ा हुआ था। तभी सदाओ को रियलाइज होता है कि वो इंसान वुंडेड है। और क्योंकि डॉक्टर सदाओ थे ना, वो एक एक्सपर्ट सर्जन थे, तो उनके जो हाथ होते हैं ना, वो तुरंत उसके बॉडी में उस वुंड को ढूंढने लगती है, जो कि उस इंसान के लोअर बैक के नीचे था, यानी कि पीठ के नीचे था। और वो जो चोट थी ना, वो किसी पत्थर वत्थर से नहीं लगी थी, बल्कि वो गन वुंड थी, यानी कि गोली खाने की वजह से लगी थी। फिर डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि इसे गोली लगे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इस जहां पे गोली लगा है ना, वहां पे ये पत्थर से और टकरा गया है, जिसके कारण इसके वुंड के आसपास पूरा ब्लैक हो गया है। ये सब देखते देखते हाना अचानक से कहती है, देखो ये कितना इसके अंदर से खून निकल रहा है। तभी डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। और ये सब बोलते बोलते तक ही उनका, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट सर्जन थे ना, तो उनका जो हार्ट था ना, वो काफी ज्यादा ट्रेंड था, तो उनका हार्ट तुरंत मॉस को ढूंढता है उस आइलैंड में आसपास, और उससे वो उसके वुंड को कवर कर देते हैं ताकि और ब्लड ना निकले। और यहाँ पे मेरी ऑथर ये भी बता रही है कि इस टाइम पे कोई भी मछुआरा या फिर जो वैल्यूएबल आइटम्स ढूंढते हैं ना सी के पास में, कोस्ट के पास में, वो लोग उस टाइम में नहीं आते थे। और उस टाइम काफी ज्यादा फॉग वहां पे हो गया था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर डॉक्टर सदाओ खड़े होते हैं क्योंकि उसके वुंड से ब्लड निकलना बंद हो गया था। फिर वो अपने ही सवाल का आंसर देते हैं जो उन्होंने पूछा था कि इस इंसान के साथ क्या करना चाहिए। तो वो बोलते हैं इस इंसान के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि इसे हम वापस से सी में डाल देते हैं, क्योंकि अब इसका ब्लड भी रुक गया है। और अगर हम इसे अपने घर में रखेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो पुलिस आके हमें पकड़ लेगी, क्योंकि उस टाइम अमेरिकन, क्योंकि वो जो इंसान था वो अमेरिकन था और अमेरिका जापान का दुश्मन था। हाना भी डॉक्टर सदाओ के इस सॉल्यूशन पे एग्री करती है, फिर भी वो इंसान को बार बार टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि अगर वो इस इंसान को पुलिस को दे देंगे तो पुलिस इन्हें इसे पूरी तरह से मार देगी और ये इंसान मर जाएगा, तो इस इंसान के लिए सबसे बेस्ट यही है कि इसे सी में ही डाल देते हैं। एक्चुअली बस हाना नहीं बल्कि डॉक्टर सदाओ भी बस उसे देखे जा रहे थे। दोनों इस बात पे एग्री तो कर लेते हैं कि उसे वो सी में डाल देंगे, पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है और वो लोग बस वहां पे खड़ा होकर उस इंसान को देखे जा रहे थे। फिर हाना डॉक्टर सदाओ से पूछती है कि हु इज ही। फिर डॉक्टर सदाओ उस लड़के के सिर पे जो हैट थी, यानी कि जो कैप थी, उसे निकालते हैं और फिर उसके अंदर वो देखते हैं लिखा हुआ था कि वो US नेवी का एक पार्ट है, यानी कि वो इंसान एक वार प्रिजनर है जापान का, जो कि पहले US नेवी में काम करता था, यानी कि अमेरिका के लिए काम करता था नेवी में। ऐसा डॉक्टर सदाओ इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक कंट्री का जो सोल्जर होता है ना, अगर वो दूसरे कंट्री में चला जाता है और वहाँ के लोग और वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं उसे कैद कर लेते हैं, तो उसे प्रिजनर बोला जाता है उस कंट्री के लिए। और क्योंकि इस टाइम वर्ल्ड वार टू चल रहा था और जापान और अमेरिका के बीच में बहुत गंदा वाला वर्ल्ड वार छिड़ा हुआ था, मतलब वार छिड़ा हुआ था, तो ये जो अमेरिकन सोल्जर था ना, ये जापान के लिए एक प्रिजनर हुआ। फिर हाना बोलती है कि जरूर ये एस्केप करने का कोशिश कर रहा होगा और इसने एस्केप भी कर लिया होगा, पर एस्केप करने वक्त इसे पीछे से गोली लग गई होगी और इसलिए ये एस्केप करते करते हमारे यहाँ पे बह के आ गया। फिर डॉक्टर सदाओ इस बात पे एग्री करते हैं। फिर डॉक्टर सदाओ बोलते हैं ये कितनी अजीब बात है कि अगर इस इंसान को कोई भी चोट नहीं लगी होती
होती तो हम इसे कितनी आसानी से पुलिस को दे देते, क्योंकि ऑल अमेरिकन्स आर आर एनिमी। भले ही ये अलग बात है कि डॉक्टर सदाओ और हाना दोनों अमेरिका से ही पढ़ के आई है, फिर भी अभी के लिए जापान और अमेरिका दोनों एनिमी है एक दूसरे के लिए। इसलिए डॉक्टर सदाओ और सारे जापानीज अमेरिकन्स को एक एनिमी की तरह ट्रीट करते हैं। और इससे हमें पता चल रहा है कि डॉक्टर सदाओ एक पेट्रियट है, यानी कि उनके अपने कंट्री के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। पर फिर वो बोलते हैं क्योंकि ये इंसान वुंडेड है, यानी कि इस इंसान को चोट लगा है, तो वो इसे ऐसे ही समुद्र में भी नहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि एज अ डॉक्टर उनका ड्यूटी है कि वो उस इंसान को ठीक करे। क्योंकि एक डॉक्टर को इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग कुछ नहीं देखना चाहिए, और एक इंसान जो वुंडेड है उसे ठीक करना चाहिए। तो देखो पिछले वाले चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट में वहां पे छोड़े थे अपने पिछले वाले एक्सप्लेनेशन को, कि डॉक्टर सदाओ जो थे और उनकी जो वाइफ थी ना हाना, वो लोग दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उस प्रिजनर का करे तो करे क्या, उसे पानी में डाल दे या फिर उसका इलाज करे। वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। पर अभी मैं तुम लोग को आंसर बताता हूँ, यानी कि वो लोग क्या करने वाले हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं एट द लास्ट कि उस प्रिजनर को वो लोग अपने घर ले जाएंगे और उसका इलाज करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ड्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशन ड्यूटी से भी ज़्यादा। अब मुझे नहीं पता, ऐसा शायद उन्होंने सोचा होगा, या फिर उन्होंने सोचा होगा कि वो इसका इलाज कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद वो दोनों डॉक्टर हाना और डॉक्टर सदाओ उस प्रिजनर को उठाते हैं और अपने घर के अंदर ले जाते हैं, और अपने घर के अंदर जहां डॉक्टर सदाओ के फादर का रूम था ना, वहां पे वो उस प्रिजनर को जाके रख देते हैं। उसके बाद डॉक्टर सदाओ बता रहे कि उनके फादर के रूम में उनके फादर की डेथ के बाद कोई भी नहीं रहता था। डॉक्टर सदाओ उस प्रिजनर को देखते हैं और पता चलता है कि वो मैन जो होता है ना, वो प्रिजनर जो होता है वो काफी गंदा होता है। तो पहले वो डिसाइड करते हैं कि उसे वॉश करेंगे, फिर डॉक्टर सदाओ उसका नर्व्स मतलब सॉरी पल्स को चेक करते हैं, एंड फिर उन्हें पता चलता है कि उसका पल्स हालांकि काफी लो होता है, लेकिन वो इंसान अभी तक जिंदा होता है। फिर हाना किचन में जाती है और उनके घर में जितने भी सर्वेंट्स होते हैं ना, उन्हें वो जाके बता देती है उस प्रिजनर के बारे में। लेकिन वहां पे जितने भी सर्वेंट होते हैं ना, वो सारे सर्वेंट डर जाते हैं और वो बताते कि उनके जो मास्टर है यानी कि डॉक्टर सदाओ जो है ना, उन्हें उस प्रिजनर को बिल्कुल भी हील नहीं करना चाहिए, बल्कि पुलिस को दे देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। पर फिर भी हाना जो होती है ना, वो यूमी से यानी कि यूमी उनकी एक सर्वेंट थी, उससे कहती है कि गर्म पानी और टॉवल लेके आओ, और वो यूमी के साथ उसी रूम में जाती है जहां पे वो एनिमी यानी वो व्हाइट मैन था। फिर हाना यूमी से कहती है कि उस व्हाइट मैन को वॉश करो, पर यूमी डायरेक्ट मना कर देती है उस व्हाइट मैन को वॉश करने से, और वहां से उठ के चली जाती है। और ये बिहेवियर देख के हाना यूमी का वो उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, उन्हें गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि हाना की बात उन्होंने नहीं माना, बल्कि वो उसकी सर्वेंट थी फिर भी। पर फिर लास्ट में हाना को ही उस प्रिजनर को वॉश करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, और उसके बाद डॉक्टर सदाओ अपने सर्जन इमरजेंसी बैग और सर्जन कोट के साथ उस रूम में आते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो उस प्रिजनर को ऑपरेशन करेंगे, यानी कि वो उस व्हाइट मैन को ऑपरेशन करेंगे। और उसके बाद वो अपना सारा इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं और अपना काम काफ़ी केयरफुली काफ़ी ध्यान से करना शुरू कर देते हैं, और वो हाना से कहते हैं कि तुम्हें इसे एनेस्थेटिक देने होंगे। फिर डॉक्टर सदाओ जैसे ही वहां से सीमॉस का जो वो जो झाड़ी था ना, मतलब सॉरी झाड़ी क्या बोल रहा हूँ, वो जो सीमॉस था, वो जो ग्रास था, उसे वहां से जैसे ही हटाते हैं ना उसके बॉडी से, तभी वहां से बहुत सारा खून निकलने लगता है। और इससे पहले हाना ने आज तक कभी भी लाइव ऑपरेशन नहीं देखा था, यानी कि अपने आंखों से, तो वो काफी डर सी जाती है, और हाना का फेस काफी पेल सा भी हो जाता है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो गार्डन में चली जाती है, और वहां पे उन्हें बहुत वॉमिटिंग भी होने लगता है। और इस टाइम में डॉक्टर सदाओ को भी काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो इस टाइम पे अपनी वाइफ को जाके नहीं संभाल सकते हैं, उसका केयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनसे छोटा सा भी गलती हुआ तो वो उस प्रिजनर का जान ले लेंगे, यानी कि उस प्रिजनर का जो जान होगा वो चला जाएगा, यानी कि वो मर जाएगा। और अगर सही माने में बोलूं तो हाना काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि वो आफ्टर ये सब होने के बाद भी, वॉमिटिंग करने के बाद भी, वो अंदर आती है और डॉक्टर सदाओ की हेल्प करने लगती है और बोलती है एनेस्थेटिक कहाँ है। और फिर वो जब एनेस्थेटिक लेके आती है और प्रिजनर का फेस देखती है, तो वो भी काफी वीक लग रहा था, बहुत ज्यादा वीक लग रहा था, मानो जैसे कि एकदम मरा हुआ फेस उन्होंने देख लिया हो। फिर हाना का ध्यान उस प्रिजनर के गले यानी कि नेक के पास जाता है, जहां पे एक स्कार था, यानी कि स्कार मतलब कट था। और फिर जब वो उस कट को देखती है जो रेड कलर का हो गया था, एकदम रेड था, वो रियलाइज करती है, वो सोचती है कि कहीं वो सब कहानी सच तो नहीं जो उन्होंने सुना था, कि कैसे प्रिजनर को ट्रीट किया जाता है, जो वार के टाइम में जो प्रिजनर होते हैं ना, उन्हें कैसे कितना बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, कहीं सचमुच वो सब कहानियां सच तो नहीं है। और फिर कुछ टाइम तक ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टर सदाओ को वो बुलेट मिल जाता है जो कि उस इंसान के किडनी के काफ़ी क्लोज तक पहुंच चुका होता है। पर सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि उस बुलेट ने किडनी को थोड़ा सा भी हार्म नहीं किया होता है, यानी कि वो किडनी बिल्कुल सेफ होता है उस इंसान का,
और वो जो बुलेट था ना वो बस किडनी से कुछ ही दूर पहले आके रुक गया था। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि डॉक्टर सदाव को आदत था, जब भी वो अपने पेशेंट को देखते थे यानी या फिर अपने पेशेंट को ट्रीट करते थे तो वो उसे हमेशा माई फ्रेंड करके पुकारते थे, बुलाते थे। फिर यहाँ पे भी डॉक्टर सदाव जो होते हैं ना वो उस एनिमी को भी माई फ्रेंड कह के बुलाते हैं, जो कि काफ़ी अजीब बात था क्योंकि वो एक्चुअली में तो उनका एनिमी था, पर फिर भी जब वो उनको ऑपरेशन कर रहे हैं, उसे ट्रीट कर रहे हैं, तब उसे वो माई फ्रेंड करके पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। फिर डॉक्टर सदाव जब उस बुलेट को निकाल देते हैं, उसके बाद भी वो जब नोटिस करते हैं, देखते हैं, तो पता चलता है उसका पल्स अभी भी काफ़ी वीक होता है, यानी कि बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद उसका जो पल्स होता है ना वो स्ट्रॉन्गर होने लगता है और वो इंसान जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा उसके पल्स में रिकवरी होने लगता है। फिर डॉक्टर सदाव बोलते हैं ना कि वो प्रिजनर जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और ऐसा ही होता भी है, वो प्रिजनर जल्दी ही ठीक हो जाता है, जिंदा बच जाता है, लेकिन वो प्रिजनर काफ़ी वीक होता है। उसके बाद जो हाना होती है ना वो खुद आके उस प्रिजनर को सर्व करती है, क्योंकि उसके घर में जितने भी सर्वेंट्स होते हैं ना वो मना कर देते हैं कि वो उस प्रिजनर को छूने तक भी नहीं जाएंगे, और सारे सर्वेंट्स बोले थे कि कोई भी उस रूम में एंटर नहीं करेंगे। और फिर प्रिजनर भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि हाना उस प्रिजनर से इंग्लिश में ही बात करती है, और हाना ये भी बताती है कि वो काफ़ी टाइम तक अमेरिका में भी पढ़ी है। और फिर ऑपरेशन होने के थर्ड डे बाद यानी कि तीसरे दिन में यानी कि दो दिन बाद जब डॉक्टर सदाव उसका चेकअप करने आते हैं ना, तो फिर प्रिजनर बोलता है कि क्या वो उसे ठीक होने के बाद पुलिस को सौंप देंगे। तो फिर डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि मैं अभी ये भी नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और फिर उसके बाद हाना डॉक्टर सदाव को बताती है कि उनके घर में जो प्रिजनर है ना वो सोच रहे कि वो ज़्यादा दिन तक इस घर में नहीं रुकेंगे और जल्दी ही वो वहाँ पे काम छोड़ देंगे अगर प्रिजनर ऐसे ही यहाँ पे रहना मतलब रहता रहा तो। हाना ये भी बताती है कि प्रिजनर्स बोल रहे थे कि सदाव और हाना क्योंकि काफ़ी टाइम तक अमेरिका में रह चुके हैं तो वो लोग भी अमेरिकन टाइप के सोचने लगे हैं और वो लोग को अब अपने देश से प्यार नहीं है, इस टाइप का उनके सर्वेंट सोचने लग गए थे। फिर डॉक्टर सदाव काफ़ी गुस्सा में हाना से बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, उन्हें क्योंकि वो एक डॉक्टर है, उन्हें ट्रेन ही ऐसा किया गया है कि वो अगर किसी वाउंडेड आदमी को देखे तो वो उसे सर्व मतलब उसकी हेल्प करे, उसे ठीक करे। और वो बोलते हैं कि उन्हें पता है कि अमेरिका अभी भी उनका बहुत बड़ा दुश्मन है उनके कंट्री के लिए, पर सर्वेंट्स इस बात को नहीं समझ पाएंगे। और अब इवन उनके घर में जो सर्वेंट्स थे ना वो भी आपस में बात करने लगे थे उस प्रिजनर के बारे में, डॉक्टर सदाव के बारे में और हाना के बारे में, कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं एक एनिमी को अपने घर में रखने से। हाना भी अपने सर्वेंट की सारे बातों को समझ रही थी, सुन रही थी, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली उन्हें क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे। फिर हाना बता रही है कि टॉम ने यानी कि उस प्रिजनर ने अपना नाम बताया था हाना को, जो कि उस प्रिजनर का नाम था टॉम। और फिर वो बता रही है कि उन्हें पता है कि उस प्रिजनर को अपने घर में रखना एक बहुत ही बड़ा डेंजरस काम है। और डॉक्टर सदाव जब काफ़ी दिनों तक काफ़ी टाइम तक उस प्रिजनर को एग्जामिन करते रहे और उस प्रिजनर का लास्ट स्टिच भी हटा दिए, तब वो उस प्रिजनर से कहते हैं कि अब तुम बस दो ही हफ्तों में ठीक हो जाओगे। और डॉक्टर सदाव बताते हैं कि वो चीफ ऑफ पुलिस को एक लेटर भी भेजना चाह रहे थे पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। और फिर ऑपरेशन के सेवंथ डे पे दो बड़ी चीज़ होती है। सबसे पहला चीज़ तो सारे सर्वेंट्स जो होते हैं ना वो अपना बैग पैक कर चुके होते हैं और वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, और वो सारे सर्वेंट्स काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं उस घर को छोड़ते वक्त, क्योंकि उन्होंने उस घर का साथ यानी कि वो उस घर पे काफ़ी टाइम तक काम किए थे। और फिर सर्वेंट्स के जाने के बाद उस घर को हाना और डॉक्टर सदाव को अकेले ही संभालना पड़ता है। वेल यहाँ पे अकेले का मतलब वो नहीं है, ऑब्वियसली डॉक्टर सदाव और हाना दोनों साथ में है, लेकिन फिर भी अकेले का समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, अकेले यानी कि उन लोग को अकेले ही अपना घर संभालना पड़ रहा है। यार कितना मुश्किल है यार इसे समझाना। वेल मुझे लग रहा है तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बड़ी चीज़ ये होती है कि उसी दिन एक जनरल का मैसेंजर उनके घर में आता है और उसने पूरी ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, और उसे देख के हाना काफ़ी डर जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद सर्वेंट ने सारी बात को जाके पुलिस को बता दिया है। और हाना को लगता है कि वो सदाव को अरेस्ट करने आया है, पर वो मैसेंजर इसलिए आता है क्योंकि उसे बताना था कि वो जो जनरल थे ना उनका तबीयत काफी ज्यादा खराब है और डॉक्टर सदाव को उनके साथ चलना होगा। फिर डॉक्टर सदाव जब उनका चेकअप करने के लिए वहां पे पहुंचते हैं, तब डॉक्टर सदाव अपने घर के बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन होता है उस प्रिजनर के बारे में जो उनके घर पे रह रहा है वो सब कुछ बता देते हैं जनरल को। पर फिर जनरल उन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते हैं, वो सिंपली बोलते हैं कि किसी का भी जान बचाना उनका काम है
और वो किसी का भी जान बचा सकते हैं। और जनरल ये भी बोलते हैं कि इसलिए डॉक्टर सदा उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जनरल जो थे ना वो सबसे ज्यादा बिलीव डॉक्टर सदा पे ही करते थे और किसी भी सर्जन पे इतना बिलीव नहीं करते थे। और फिर कुछ टाइम बात करने के बाद यहाँ पे जनरल ये डिसाइड करते हैं कि वो कुछ प्राइवेट असेसिंस को उसके घर भेजेंगे जो कि उस प्रिजनर को मार के उसका लाश को भी वहां से हटा देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस जगह पे ज्यादा खून भी नहीं पड़ी होगी और ना ही ज्यादा नॉइस होगा, वो प्रिजनर तुरंत मर जाएगा। और जनरल ये भी बोलते हैं कि वो प्राइवेट असेसिंस उसका बॉडी को अच्छे से गार्ड भी देंगे, यानी कि समझ रहे हो ना तुम लोग, डिस्पोज कर देंगे ताकि वो बॉडी किसी को मिले भी ना। और वो डॉक्टर सदाव को अच्छे से एश्योर करते हैं कि उन्हें वो कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर जैसे ही डॉक्टर सदाव अपने घर पहुंचते हैं वो उस एनिमी से यानी कि उस प्रिजनर से मिलते हैं, तो वो प्रिजनर बताता है कि उसके बैक में ना थोड़ा सा पेन हो रहा है उसके वुंड के पास। तो फिर डॉक्टर सदाव उसे अच्छे से देखते हैं, चेक करते हैं और फिर उनके माइंड में जितनी बात होती है ना वो कुछ टाइम के लिए उस सभी बातों को भूल जाते हैं और वो प्रिजनर को बताते हैं कि थोड़े से एक्सरसाइज से, थोड़े से मसाज से ये पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर सदाव को उस रात को बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है, उनकी आईज ओपन होती है और वो ध्यान से वो हर चीज़ को सुन रहे होते हैं। उन्हें अपने गार्डन से लकड़ी की टूटने की आवाज़, कभी पत्थर की आवाज़, पत्थर जब जमीन पर टकराता है वैसी आवाज़ आ रही होती है। फिर डॉक्टर सदाव को लगता है कि वो जो असैसिन्स है ना वो जरूर आ गए होंगे और उस प्रिजनर को मार चुके होंगे। फिर जैसे कि नेक्स्ट सुबह होता है वो उस प्रिजनर के रूम पे जाते हैं, वो काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो प्रिजनर बिल्कुल जिंदा और वहीं पे बैठा हुआ होता है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि वो बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है या फिर सोया हुआ है, मैं बस बोल दिया, समझ रहे हो ना, ज्यादा बात को सीरियसली मत ले लिया करो यार, फिर एग्जाम में लिख के आ जाओगे और कमेंट करते रहोगे यार वो बैठा हुआ तो था ही नहीं, टीचर ने मार्क्स काट लिया। फिर अगले दिन रात वही होता है, फिर काफ़ी तेज हवा चलने लगती है, काफ़ी विंड ब्लो कर रही होती है, काफ़ी अजीब सा उन्हें साउंड सुनाई दे रहा होता है। फिर जैसे वो अगले दिन भी उठते हैं ना, फिर वो देखते हैं कि वो प्रिजनर बिल्कुल जिंदा है और उसी जगह पे पड़ा हुआ है। और फिर थर्ड नाइट को तेज़ हवा भी चल रही होती है और इवन बारिश भी हो रही होती है। यार मुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है। और उस रात गार्डन में से काफी तेज आवाज भी आ रही होती है और इस बार सीरियसली सदाव की गंदी वाली डर जाते हैं वो काफी गंदी वाली डर जाते हैं। और फिर जब वो अगले दिन उठते हैं ना, फिर वो देखते हैं कि वो प्रिजनर बिल्कुल जिंदा है और अपने प्लेस में ही पड़ा हुआ है, यानी कि टॉम। और वो जो प्रिजनर होता है ना वो वहीं पे होता है, वो काफी खुश भी होता है और वो बोलता है कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ। फिर डॉक्टर सदाव उस प्रिजनर को यानी कि टॉम को क्यूमानो भी देते हैं और कुछ ड्रेस भी देते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं ना कि वो और टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि वो पिछले तीन रात से काफ़ी टेंशनलाइज्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले चुके हैं इस बारे में। फिर वो प्रिजनर को बताते हैं, एक प्लान बनाते हैं और बोलते हैं कि वो आज की रात एक बोट किनारे पे रख देंगे और उसमें खाने का सामान, पानी, क्लोथ सब कुछ रहेगा, जिससे वो अमेरिकन सोल्जर पासी के एक आइलैंड पे जा सकता है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता है और वहाँ पे कोई आर्मी भी नहीं है, और वहाँ पे वो प्रिजनर जाके किसी कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करेगा और जब वो आ जाएगी तो वो उसके साथ वापस अपने घर भी जा सकता है। ऐसा प्लान डॉक्टर सदाव बनाते हैं। फिर डॉक्टर सदाव लास्ट बार उस अमेरिकन प्रिजनर का पल्स को चेक करते हैं और उस टाइम वो अमेरिकन प्रिजनर काफी एक्साइटेड भी लग रहा होता है, यानी कि हमारा टॉम एंड जेरी का टॉम काफी एक्साइटेड होता है। वेल ये बिल्कुल पनी नहीं था, मुझे पता है, सॉरी। और उसके बाद डॉक्टर सदाव उस प्रिजनर को अच्छे से सब कुछ बता देते हैं कि अगर तुम्हें भूख लग रहा हो और उस कोस्ट में तुम अकेले हो तो तुम एक फ्लैशलाइट दे देना, मैं तुम्हें खाना पहुंचा दूंगा। और हाँ, यहाँ पे डॉक्टर सदाव एक चीज क्लियर कर देते हैं कि अगर तुम बिल्कुल ठीक हो ना तो मुझे बस एक ही बार सिग्नल देना, और अगर तुम्हें खाना चाहिए होगा, तुम्हें भूख लग रहा होगा, पानी चाहिए होगा तो तुम मुझे दो बार सिग्नल देना। और डॉक्टर सदाव ये भी समझा देते हैं कि ये काम तुम बस शाम के टाइम में ही करना, क्योंकि अगर इसके अलावा तुम किसी भी टाइम पे फ्लैशलाइट जला के मुझे सिग्नल दोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सुबह के टाइम में यहाँ के लोग तुम्हें देख लेंगे और फिर तुम्हारे लिए डेंजर हो जाएगा। फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे तुम रॉ फिश पकड़ के भी खा सकते हो, लेकिन प्लीज तुम वहाँ पे आग मत जलाना वरना फिर प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में वो उस जापानीज को जापानीज क्लोथ्स भी दे देते हैं, यानी कि जापानीज कपड़े, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। फिर जब जनरल की दोबारा तबीयत खराब हो जाती है, फिर जनरल की ऑपरेशन के फिर एक हफ्ते बाद वो जनरल को सारी बातें बता देते हैं, बट सब कुछ सच नहीं बताते हैं। वो ये बोलते कि वो जो प्रिजनर था ना वो उनके घर से भाग चुका है, और साथ ही में इस टाइम तक जो उनके घर में जितने भी सर्वेंट्स थे ना वो सारे वापस आ चुके होते हैं, और यूमी ने उस रूम को भी अच्छे से साफ सफाई कर दिया था जहाँ पे वो अमेरिकन सोल्जर रुका था। फिर जनरल डॉक्टर सदाव से पूछते हैं कि क्या ये वही प्रिजनर है ना जिसके बारे में मैंने कहा था कि मैं इसे असैसिनेट करवा दूंगा। उसके
उसके बाद जनरल कहते हैं कि हालांकि वो ये करवाने वाले थे लेकिन उस टाइम पे उनकी तबीयत इतनी खराब थी वो किसी और चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे थे और इसके कारण वो वहां पे असैसिन्स को भेजना भूल गए। फिर जनरल बोल रहे कि क्योंकि तुम मेरे सारी कंडीशंस को जानते हो ना कि अगर फ्यूचर में अगर मेरे पे कोई आरोप लगाता है कि मैंने उस प्रिजनर को भागने में मदद की या फिर मैं उसे नहीं मार पाया तो तुम मेरी कंडीशंस को जानते हो तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ना। तो सदाव एग्री करते और कहते कि हाँ वो बिल्कुल हेल्प करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सदाव बता रहे कि उन्हें अच्छे से पता चल चुका है कि वो बिल्कुल सेफ है और क्योंकि वो जो जनरल है ना उन्हें लग रहा है कि वो जो प्रिजनर है ना वो उनकी वजह से भागा है यानी कि जनरल की खुद की वजह से भागा है और इसलिए डॉक्टर सदाव बिल्कुल सेफ है और जनरल खुद डर रहे हैं कि उनके वजह से क्योंकि वो प्रिजनर भाग गया है तो अगर किसी ने कुछ बोला उस पे कमेंट उठाया उस टॉपिक पे अगर किसी को पता चला तो वो काफ़ी खतरे में आ जाएंगे इसलिए वो डॉक्टर सदाव से अपनी हेल्प मांग रहे हैं। फिर डॉक्टर सदाव बता रहे हैं कि साथी में जब वो शाम को उस आइलैंड की तरफ देखते हैं ना तब उन्हें कोई भी फ्लैशलाइट नहीं दिखता है इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि वो जो अमेरिकन प्रिजनर है उसे कोई कोरियन फिशिंग बोट मिल चुका है और वो उस पे चढ़ के वापस चला जा चुका है। फिर डॉक्टर सदाव अपने बरामदा में खड़े होते हैं और फिर वो सारे अमेरिकन को याद करते हैं जिनसे वो मिले थे जब वो अमेरिका में रहते थे पढ़ाई के लिए गए थे और वो वहाँ पे रहे सारे पल को भी याद करते हैं और फिर वो लास्ट में सोचते हैं कि आखिर क्यों वो उस अमेरिकन प्रिजनर को नहीं मार पाए या फिर पुलिस को नहीं सौंप पाए और वो ये सोचते रहते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने उसकी जान बचाई क्योंकि इवन दो वो उनका एनिमी था उनके कंट्री का दुश्मन था फिर भी उन्होंने उसकी हेल्प क्यों की। और यहाँ पे हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। यह वीडियो किसी भी पर्टिकुलर सेक्स कास्ट या रिलीजन के लोगों को निराश करने के लिए नहीं है बल्कि सभी को निराश करने के लिए। धन्यवाद। हेलो मेरे पोपलूस, कैसे हो यार तुम लोग। आज की वीडियो में मैं तुम लोग एक्सप्लेन ऑन द फेस ऑफ इट को ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ही प्यारा सा इमोशनल सा स्टोरी है। सच में एंडिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने वाला है। रोने मत लगना ठीक है। अगर रोने वाले हो तो पहले से हैंडकरचीफ लेके आ जाओ, बाद में मुझे मत बोलना। मैं अपना बेस्ट दूंगा, तुम लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल्ड भी एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी जो इस प्यारे से चैप्टर की जो राइटर है ना उनका नाम है सुजैन हिल। देखो ये जो हमारा चैप्टर है ना इसमें दो मेन कैरेक्टर है, एक डेरी है और मिस्टर लैम्ब है। और ये तुम लोग के पूरे बुक का सबसे इजिएस्ट चैप्टर है क्योंकि इसे समझने में तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जो डेरी है ना वो 14 साल का लड़का है जिसका आधा फेस जला हुआ है और जो मिस्टर लैम्ब है ना उनका एक पैर टिन का है। मुझे पता है तुम लोगों को कौन सा मीम को याद आ रहा होगा, कोई बात नहीं वो मीम ही लगा देता हूँ। बस इतना काफी है, तुम लोग समझ गए ना कौन सा भीम का बात कर रहा हूँ। तो देखो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है, मिस्टर लैम का एक बड़ा सा गार्डन है। उस गार्डन में जो डेरी होता है ना वो दीवार फांद कर अंदर आ जाता है और चलने लगता है और डेरी धीरे धीरे चल रहे होते हैं लॉन्ग ग्रासेस के ऊपर। अचानक से डेरी को मिस्टर लैम की आवाज आती है तो डेरी काफी शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें लग रहा था कि उस गार्डन में कोई भी नहीं है। लैम जो होते हैं ना वो डेरी को संभल कर चलने के लिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उस गार्डन में बहुत सारे रैब एप्पल्स जो होते हैं ना फेंके हुए होते हैं और उसमें अगर डेरी का पैर पड़ता तो वो फिसल के गिर सकता था, इसलिए कि डेरी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं ना। तो वो पूछते हैं कि कौन है वहां पर, ये आवाज किसकी आ रही है। मिस्टर लैम्ब फिर बोलते हैं कि उनका नाम मिस्टर लैम्ब है और फिर डेरी बोलता है कि उन्हें लगा था कि हाउस एक एम्प्टी हाउस है इसलिए वो यहाँ पे चला आया। तो फिर मिस्टर लैम रिप्लाई करते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जो हाउस है वो एम्प्टी ही है क्योंकि बेटा मैं हाउस के अंदर नहीं हूँ, मैं हाउस के बाहर हूँ। ऐसा मिस्टर लैम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि डेरी काफी डरा हुआ होता है। उसके बाद डेरी मिस्टर लैम को कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर तुम यहाँ पे रुकोगे क्योंकि यहाँ का गेट हमेशा खुला हुआ रहता है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है और तुम ही ऐसे फर्स्ट पर्सन हो ना जो यहाँ पे दीवार फांद कर आया है क्योंकि तुम नॉर्मल गेट से चलकर भी आ सकते थे। डेरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब बुरा मान जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम बोलते हैं कि वो यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए थे और उनकी नजर उस पे पड़ गई। डेरी कहता है कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे कुछ चुराने के लिए नहीं आया हूँ। बाद मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, डरने की कोई बात नहीं है। इस बात पर जो डेरी होता है ना वो रिप्लाई करता और कहता है कि मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ बट जो लोग है ना वो मुझे देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि लोग मुझे समझते हैं कि मैं एक बेचारा सा लड़का हूँ जिसका फेस जला हुआ है। साथ ही में उन्हें मेरा फेस देख के काफी टेरिबल लगता है, काफी गंदा लगता है और मुझे लगता है कि तुम भी मुझे देखकर काफी ज्यादा ऐसा
ऐसा ही फील कर रहे हो पर तुम भी मुझसे डरे हुए हो। तेरी कहते हैं बस तुम नहीं बल्कि मैं खुद भी अपना चेहरा जब मिरर पे देखता हूँ ना तो मैं भी काफी ज्यादा डर जाता हूँ। जब मिस्टर लैम देखते हैं कि जो डेरी होता है ना वो काफी नेगेटिव बातें करने लगता है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना टॉपिक चेंज कर दिया जाए। इसलिए वो बोलते हैं कि डेरी आज ना शाम को मैं ग्रैब एप्पल्स तोड़कर बहुत सारे जेलीज बनाऊंगा तो क्या तुम मेरी उसमें मदद करोगे। ये जो होता है ना वो इस बात पे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो दूसरे लोगों के जैसे क्योंकि और तुम लोग ऐसा क्यों दिखाना चाहते हो कि तुम लोग को मुझ पे दया आ रही है जबकि अंदर से तो तुम सभी लोग डरे हुए हो। सुनकर जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो कहते हैं अच्छा ठीक है बाबा बताओ कि क्या प्रॉब्लम है तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो और तुम्हारा फेस ऐसे कैसे हो गया है। तो फिर डेरी बताते हैं कि उन्हें लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि डेरी जो है ना वो एक इंट्रोवर्ट इंसान है। बताते हैं कि उनका फेस ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि उनके ऊपर एक बार एसिड गिर गया था हाफ फेस में और उनका एक साइड का फेस ऐसे जल गया है। साथ ही में वो जो एसिड था ना इट एट माई फेस अप एंड इट एट मी अप। साथ ही में ये जो एसिड था ना ये बस मेरा फेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि मेरा पूरा लाइफ को डिस्ट्रॉय कर चुका है। वो शायद कहना चाह रहा हो कि उसने उस एसिड ने उसका फेस के साथ साथ उसका पहचान भी छीन लिया है। मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। डेरी बोलता है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो। इस बात पे मिस्टर लैम कहते हैं कि वो हर उस चीज पे इंटरेस्टेड है जो कि गॉड ने बनाया है जो कि भगवान ने बनाया है। फॉर एग्जांपल वो बताते हैं कि जैसे कि उन्होंने इस गार्डन में हर तरह की ट्रीज लगाए हुए हर तरह के पेड़ लगाए हुए हैं जैसे कि फ्रूट्स हो गया फ्लावर्स हो गया छोटे छोटे वीड्स हो गए बड़े बड़े पेड़ भी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि उन्होंने वीड्स भी उगा रखी है। वीड्स को लोग अनवांटेड प्लांट भी कहते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि आखिर फर्क क्या है वीड्स में और दूसरे प्लांट में दोनों एक तरह के प्लांट ही तो है। मिस्टर लैम ये भी कहते हैं कि उसी तरह से हम दोनों मतलब तुम और मैं भी सेम है। इस बात पर डेरी कहता है कि नहीं हम सेम नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा फेस जला हुआ है या फिर मेरा एक पैर टिन का है हम दोनों ह्यूमन ही हैं हम सब एक जैसे ही हैं। बट मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि उनका जो एक पैर है ना वो वार के टाइम में या फिर एक एक्सप्लोजन के टाइम में अलग हो गया था। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुमने सुना नहीं है कई सारे जो बच्चे हैं ना वो मुझे लेमी लैम लैम करके चिढ़ाते हैं कुछ लोग तो मुझे घूरते भी हैं बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज है जो इससे भी ज्यादा अच्छी है जिसे देखा जा सकता है। जैसे कि ये ग्रैब एप्पल्स जो कि वहां पे पड़ा हुआ था वो इशारा करके दिखाते हैं जैसे कि ये ग्रैब एप्पल्स ये सनफ्लावर और ये वीड्स। लैम बताते हैं कि इस दुनिया में जो ब्यूटी होती है ना वो अलग अलग तरह की होती है। जैसे कि यहाँ पे मिस्टर लैम याद दिला रहे उसे एक स्टोरी के ऊपर जिस स्टोरी का नाम था ब्यूटी एंड द बीस्ट जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को एक बहुत ही अजीब से शक्ल के मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है। हालांकि इसके आगे कुछ और भी कहानी है बट वो स्टोरी अभी नहीं चल रहा ओके तो वो कभी और सुनाऊंगा तुम लोग को। मिस्टर लैम बोलते हैं कि इसीलिए हर इंसान के लिए ब्यूटी का डेफिनेशन अलग होता है क्योंकि उस लड़की के लिए जिसे मॉन्स्टर से प्यार हो जाता है वो मॉन्स्टर ही उसके लिए ब्यूटी था। फिर यहाँ पे मिस्टर लैम कंटिन्यू कर बता रहे हैं कि उस स्टोरी में आगे ये भी होता है कि जब वो लड़की मतलब वो बहुत ही खूबसूरत वाली लड़की जब उस मॉन्स्टर को किस करती है ना तो वो मॉन्स्टर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार में कन्वर्ट हो जाता है। टेरी काफी नेगेटिव होकर बोलता है कि मैं इन फेरी टेल्स में नहीं मानता हूँ और मैं उस मॉन्स्टर की तरह कभी भी चेंज नहीं हो सकता हूँ। इवन मुझे कोई किस भी नहीं करता है जहाँ तक कि मेरी मदर भी है ना वो भी मुझे फेस की दूसरे साइड पे किस करती है और मुझे ऐसा फील होता है कि वो ये काम भी काफी फोर्सफुली कर रही है। अब मुझे इन चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता है। यानी कि वो जो डेरी है ना वो लड़का है ना वो कहना चाहता है कि वो अब काफी मैच्योर हो चुका है और इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है कि वो काफी अगली है वो अच्छा नहीं दिखता है और उसकी मदर भी उससे प्यार नहीं करती है और करती भी है तो उसके फेस की वजह से क्योंकि उसका फेस बहुत ही ज्यादा अगली दिखता है जला हुआ है इसलिए उसके ऊपर तरस खा के करती है। मिस्टर लैम एक पॉजिटिव अप्रोच देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने फेस पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है इस वर्ल्ड में और भी काफी सारे ब्यूटीफुल चीजें हैं तुम उन सब चीजों को भी देख सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। फिर डेरी कहता है कि हाँ मुझे पता है मुझे अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि तुम उन लोगों को देखो कि जो बहुत ज्यादा दर्द में है पर वो कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि मैं डेफ होता मैं ब्लाइंड होता या फिर कोई व्हील चेयर पे बैठा हुआ होता या ये भी हो सकता है कि मैं पागल भी हो था लेकिन मैं किसी भी चीज को लेकर कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ तुमसे अक्सर लोग सही बातें ही करते हैं ये बिल्कुल सच बात है। फिर डेरी कहते हैं कि हाँ अगर मैं मान भी लूँ तो इससे मेरा फेस चेंज नहीं होने वाला है। ये एक इंसिडेंट शेयर करते हैं जब वो एक बस स्टैंड के पास होते हैं और वहाँ पे दो औरत खड़ी भी रहती है जिसमें से एक औरत कहती है उधर देखो उस लड़के को वो कितना टेरिबल दिख रहा है कितना गंदा दिख रहा है ना डरावना फेस है इस लड़के का। उनको ऐसा कहते हुए उस लड़के ने मतलब डेरी ने अच्छे से सुना था। मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है अगर
कोई भी कोई नेगेटिव बातें करता है ना, तो तुम्हें उस पर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम सुन भी लेते हो तब भी बातों को इग्नोर भी तो कर सकते हो। तुम्हें इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे तुम्हें उसके कारण अपना मूड खराब नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो डेरी होता है ना, वो मिस्टर लैम से कहते हैं कि आप काफी पेक्यूलियर हो, मतलब आप कभी मतलब ऐसी ऐसी चीजें कहते हो ना जो मेरे समझ के बाहर है। मिस्टर लैम ना दूसरा एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं इस गार्डन में एक मधुमक्खी का छत्ता भी है और लोग कहते हैं कि वो जो मधुमक्खी है ना वो बज करती है, मतलब काफी ज्यादा शोर करती है। मिस्टर लैम ये मानते कि वो बज नहीं करती बल्कि हम करती है, मतलब उनका वॉइस काफी अच्छा है, वो गाना गाती है ना कि शोर करती है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं इससे उनका ये कहने का मतलब है हर चीज को लेकर लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, इसलिए हमें सबकी बातों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए। डेरी कहते हैं कि उन्हें ये जगह बहुत ज्यादा पसंद है और उन्होंने देखा था कि ये गार्डन खाली है इसलिए वो यहाँ पे आए थे, और उन्हें लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है क्योंकि जो लोग होते हैं ना उन्हें देखकर काफी डर जाते हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर लोग तुमसे डरते हैं इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने आप को रूम में बंद कर बैठ जाओगे। बाद मिस्टर लैम एक एग्जांपल देते हैं और बताते हैं कि एक आदमी था जो कि बहुत ज्यादा डरता था, उसको लगता था कि अगर वो घर से बाहर निकलेगा ना तो उसके ऊपर बिजली गिर जाएगा या फिर उसका रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा या फिर रोड पे पड़ा कोई बनाना का छिलका के ऊपर उसका पैर फिसल के वो गिर के मर जाएगा। इसलिए वो जो इंसान था ना वो अपने आप को एक रूम के अंदर बंद कर लेता है इसी डर के कारण कि वो कहीं बाहर जाने से मर ना जाए। फिर वो एक दिन आराम से शांति से बेड के ऊपर बैठा हुआ था, तभी दीवार के ऊपर लगा हुआ एक जो पिक्चर था ना उसके सर पे गिर जाता है और वो इंसान मर जाता है। तो मतलब मिस्टर लैम जो होते हैं ना वो डेरी को समझाना चाहते हैं कि वो डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। का मतलब ये तो नहीं है कि उसे डर कर हम अपने आप को एक रूम के अंदर बंद करके रखें, खुश ना रहें, लाइफ एंजॉय ना करें। के बाद जो डेरी होता है ना वो ये स्टोरी सुन के बहुत ज्यादा हंसता है और फिर मिस्टर लैम से पूछता है कि वो दिन भर क्या करते हैं। मिस्टर लैम बताते हैं कि वो काफी सारे बुक्स को रीड करते हैं। डेरी मिस्टर लैम से पूछता है कि आपके विंडोज में आपके घर के जो विंडोज है उसमें कर्टेन क्यों नहीं है, तो फिर मिस्टर लैम बताते हैं कि उन्हें चीजों को रोकना पसंद नहीं है, उन्हें दिन में रोशनी और विंड पसंद है और रात में रात की अंधेरी रातें मतलब रात में डार्कनेस पसंद है और दिन में रोशनी पसंद है, मतलब कि उन्हें विंड हो गया या फिर लाइट हो गया या फिर डार्कनेस हो गया उन्हें सब चीज पसंद है, मतलब वो किसी भी चीज को रोकना नहीं चाहते। फिर डेरी कहता है कि हाँ मुझे भी जब बारिश होता है ना तो बारिश के पानी में भीगना पसंद है। तो उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब कि तुम इतने भी ज्यादा नेगेटिव नहीं हो जितना कि मैं सोच रहा था, तब तुम्हें अभी भी चीजें पसंद है, तुम उसे सुनते हो, उसे फील कर सकते हो। डेरी कहता है कि हाँ मैं काफी कुछ सुनता हूँ, और फिर वो बताता है कि एक बार उसने सुना था जब उसके पेरेंट्स ऊपर में बातें कर रहे थे कि इस लड़के का क्या होगा जब हम इसके साथ नहीं होंगे। लैम उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पास दो हाथ है, दो पैर है, आंखें हैं, कान है, नाक है, तुम बोल सकते हो, चीजों को सोच सकते हो, तुम छू सकते हो, फिर क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें बस चीजों को सोच कर करने की देरी है और कुछ नहीं। डेरी पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई दोस्त है, तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जैसे कि एक तुम हो। फिर डेरी कहता है कि तुम मेरे दोस्त कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो मेरा नाम भी नहीं पता है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तुम्हारा एड्रेस पता हो या ना पता हो, तुम्हारा नाम पता हो या ना पता हो, हम सब दोस्त हैं, हर कोई उनका दोस्त है क्योंकि उनका गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है। बाद जो डेरी होता है ना उन्हें मतलब मिस्टर लैम को पहली बार अपना नाम बताते हैं। फिर डेरी कहता है कि उसका नाम है डेरी बट उसे अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि मिस्टर लैम उसे डेरी करके ही बुलाए, मतलब कि डेरी नाम से ही उसे पुकारे। डेरी बोलता है कि कुछ लोगों को वो हेट करते हैं, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये चीज तुम्हें एसिड से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि एसिड ने तो बस तुम्हारा फेस बन किया है, लेकिन तुम लोगों के लिए नेगेटिविटी रखते हो ना तो तुम्हारा पूरा माइंड नष्ट हो सकता है, पूरा माइंड को डैमेज कर सकता है, तुम डीमोटिवेट भी हो जाओगे और अपने लाइफ को जी भी नहीं पाओगे। डेरी बता रहे हैं कि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो जब वो हॉस्पिटल में थे ना तो उन्होंने सुना था कि कुछ लोग बातें कर रहे थे और बोल रहे थे इसे उन लोगों के साथ ही रहना चाहिए जो इसके जैसे हो, जैसे कि ब्लाइंड लोग ब्लाइंड लोगों के साथ रहते हैं ना वैसे ही मुझे भी। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि सब लोग सेम थोड़ी होते हैं, जरूरी थोड़ी है जिसका फेस बन हुआ हो, जिन दो लोगों का फेस बन हुआ हो, अरे यार क्या लो कर रहा हूँ, हाँ तो जिन दो लोगों का फेस बन हुआ है वो दोनों लोग जरूरी थोड़ी है कि सेम जैसा सोचते होंगे, जरूरी थोड़ी है कि उन दोनों लोगों का थिंकिंग सेम हो, सभी लोग यूनिक होते हैं। फिर डेरी पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसी बातें कर कैसे लेते हो, तो फिर मिस्टर लैम बोलते हैं वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, मतलब वो चीजों को समझते हैं, सोचते हैं और देखते हैं। हाँ राइट, मैंने सही बोला, बस थोड़ा आगे पीछे बोल दिया। डेरी बोलते हैं कि उन्हें ये जगह, ये घर, ये गार्डन काफी ज्यादा पसंद है। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम जब चाहो यहाँ पे आ सकते हो। फिर डेरी बोलता है कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो हो सकता है तुम अपने सारे दोस्तों को खो दो क्योंकि वो लोग मेरा फेस देख के काफी ज्यादा डर जाएंगे और तुमसे दूर भाग जाएंगे। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो, जरूरी थोड़ी है, मैं थोड़ी भागा, मैं तुम्हारे फेस देख के थोड़ी भागा, मैं थोड़ी डरा, हो सकता है वो लोग ना डरे और तुम इतना दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, तुम पूरी जिंदगी इस डर के साथ तो नहीं रह सकते हो ना, रिस्क तो लेना ही होगा, हो सकता है वो लोग चले जाए, हो सकता है ना भी जाए। मिस्टर लैम बोलते हैं कि जो बच्चे वो उन्हें लेमी लैम करके बुलाते हैं, अरे मैं कितना यहाँ पे तोतला क्यों जाता हूँ, लेमी लैम, ओके
जो बच्चे वो मुझे लेमी लैम करके बुलाते हैं, बट फिर भी वो यहाँ पे आके खेलते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो मुझसे डरते नहीं है और ना ही मैं उनसे। और इसी तरह से तुम्हें भी किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। टेरी बोलता है कि आपने कहा था कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ ग्रैब एप्पल्स को तोड़ने में, साथ ही में आपका जो लेग है वो टिन का है, तो आप उस एप्पल्स को कैसे तोड़ोगे? मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरी हेल्प कर सकते हो। फिर टेरी कहता है कि उनकी मदर उनका वेट कर रही होगी और साथ ही में उनका जो घर है वो 3 मील दूर है और उसकी मदर नहीं जानती है कि जो डेरी है वो कहाँ गया है। उसकी जो मदर वो काफी ज्यादा चिंता करने लगेगी। मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम जाके अपनी मदर को बता दो और वापस आ जाओ। फिर टेरी कहता है कि अगर वो घर वापस जाता है तो उसकी मदर उसे आने नहीं देगी। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी मदर तुम्हें नहीं रोक सकती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम खुद को रोक सकते हो। टेरी कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं कि हाँ, मैं नहीं कह सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। डेरी कहता है ना कि हाँ, आप नहीं कह सकते मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम ढूंढ सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, बस तुम चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, समझो और उसके बाद सोचो और वही करो। डेरी कहता है कि क्या यहाँ पे लोग आते भी हैं, क्योंकि उसे नहीं लगता कि यहाँ पे लोग आते होंगे, तुम काफी अकेले हो और कोई भी तुम्हारा केयर भी नहीं करता है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये अच्छा एक्सक्यूज था यहाँ पे वापस नहीं आने का। वो उनके बर्न्ड ऑफ फेस के बारे में भी कहते हैं। उसके बाद मिस्टर लैम वहां से उठते हैं और अपनी बीस को देखने के लिए चले जाते हैं, मतलब मधुमक्खी को देखने के लिए चले जाते हैं। डेरी थोड़ा सा गुस्सा तो हो जाता है, बट वो जाते जाते प्रॉमिस कर देता है कि वो जरूर यहाँ पे वापस आएगा। उसके बाद जब डेरी वहां से चला जाता है ना, तो मिस्टर लैम खुद से कहते हैं, मतलब खुद में कहते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं कि वो वापस आएंगे, बट लिटरली कोई भी वापस नहीं आता है। और पता है हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो मिस्टर लैम है ना, वो बहुत ही ज्यादा अकेले हैं। उसके बाद डेरी अपने घर जाता है और अपनी मॉम से बात करता है, बट उसकी मॉम उसे वापस जाने से मना कर देती है, बट डेरी उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि उन्हें बिल्कुल भी उस घर में अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद डेरी की मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा बर्न्ड है, मतलब बर्न्ड है, इसलिए तुम्हें घर पे अच्छा नहीं लगता और बुरा लगता है। उसके बाद डेरी कहता है कि ये मेरे फेस के बारे में नहीं है, और उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं उसके फेस के बारे में। डेरी कहता है कि उसे बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या कर रहा है। इससे हमें ये पता चलता है ना कि मिस्टर लैम जो कोशिश कर रहे थे कि डेरी के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लाने का, वो उसके अंदर आ चुका है। के बाद डेरी कहता है कि उसे अपने फेस से अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, अब उसे बस इसी चीज से फर्क पड़ेगा कि वो क्या सोचता है और वो क्या फील करता है। के बाद डेरी जो होता है ना, वो अपना घर से भाग कर मिस्टर लैम के गार्डन में चले जाते हैं। और उसके बाद अगले सीन पे मिस्टर लैम जो होते हैं ना, वो लैडर पे चढ़कर क्रैब एप्पल्स तोड़ रहे होते हैं, बट अचानक से उनका जो लैडर होता है ना, वो फिसल जाता है। और इसके बाद हो सकता है कि जो ऑब्वियसली मिस्टर लैम गिर चुके हैं और उनका एज भी काफी था और उनका एक पैर टिन का था, तो हो क्या सकता है वो पॉसिबली मर जाते हैं। उसके बाद डेरी वहां पे पहुंचता है, मिस्टर लैम को उठाने की बहुत कोशिश करता है, बट मिस्टर लैम नहीं उठते। डेरी को समझ में आ जाता है कि मिस्टर लैम अब कभी भी नहीं उठने वाले हैं, और यहाँ पे डेरी बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। और देखो यहाँ पे चैप्टर का दी एंड हो जाता है। देखो स्टार्टिंग में कितना मजा आ रहा था चैप्टर पढ़ने में ना, लास्ट में कितना इमोशनल कर दिया। सीबीएसई वालों का लक्ष्य है ना यार, हर चैप्टर में वो लोग ऐसे ही कुछ करना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है, तो तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं आज बहुत ज्यादा तोतला आ रहा हूँ कसम से। तुम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, सबके साथ शेयर कर देना।